Where there wheels, there ways. बोले तो जिधर खुजली उधर मलम। क्या हो गया, सुन के चक्कर आ गया क्या? चलो अभी समझ में नहीं आएगा, टेंशन मत लो, धीरे धीरे दिमाग की ट्यूबलाइट जल जाएगी। अभी क्या है ना, दुनिया के लिए आसमान ऊपर और धरती नीचे होती है, लेकिन अपुन के लिए उसका वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा मतलब नहीं समझे? अरे बोले तो उल्टा, विरुद्ध। अभी ध्यान से देखो, सामने जो दीवार पे पेंडुलम की तरह लटक रहा है ना, वो मैं हूँ। इधर पुलिस भी है, मीडिया भी है और पब्लिक भी है, पर किसी को मेरी जान की फिक्र नहीं है। रिपोर्टर को टीआरपी की फिक्र है, और पब्लिक में जो लौंडे लौंडिया है उनको मेरे चमगादड़ जैसे उल्टे लटके हुए शरीर के साथ सेल्फी लेने की फिक्र है। आप उनका नाम है चौकीदार पांडुरंग। बोले तो रात के सन्नाटे में जब कहीं दूर से सीटी की आवाज आती है तो माँ कहती है कि बेटा चैन की नींद सो जा, गोरखा आ गया है। लू चल रही हो या हो रही हो रिमझिम बरसात, पर गोरखा कभी नहीं छोड़ता साथ। ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये कॉलोनी की सुरक्षा के साथ साथ मीलों दूर फैले हमारे देश की बॉर्डर्स की सुरक्षा भी करते हैं। अगर दुश्मन कभी हमारे देश के खिलाफ आंख भी उठाता है तो उसमें गोलियों से इतना छेद किया जाता है, इतना छेद किया जाता है कि वो क्या सोच रहे हो, उसका दी एंड हो जाता है। अपनी गरीबी की वजह से और रोजगार ना होने के कारण लोग दूसरे स्टेट्स में पलायन करते हैं, उनमें से ही बहुत से गुरखा दूसरा काम नहीं ढूंढ पाते, इसीलिए गार्ड की नौकरी ढूंढ लेते हैं। साहब जी, रोजी रोटी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। उनमें से एक गुरखा दिल्ली पहुंचा जिसका नाम था गुलबिया थापा, हुगू का दोस्त। 6 फीट के गबरू जवान का दिल एक लड़की को देखकर फ्लैट हो गया, फिर चट मंगनी पट ब्याह हुआ और एक ही साल में एक नन्हा मुन्हा राही देश का सिपाही बन गया। वैसे बहुत किस्से हैं इनकी लाइफ के, चलिए मुद्दे पर आते हैं, यानी उनके पोते पांडू पे, मतलब आप पांडू रंग भी कह सकते हैं। तो ये है पांडू, एक नंबर का भुखड़ और आलसी इंसान, दिन भर खाना और दोस्तों के साथ टपरी पर गुनगुनाना। अरे सब कुछ मैं ही बताऊंगा तो आप क्या शादी में आए? चुपचाप देखिए और मजे लीजिए। फिलहाल हम लगाते हैं अपनी वाणी पर विराम, आप मूवी देखिए छोड़ के सारे काम। अच्छा इंतजाम है ना? सच में? अगले महीने मेरा भी बर्थडे है, घर पे सब ठीक है? प्यारी लग रही हो। ए गोटी क्या कर रहा है, देना। अरे पोते को तिलक लगाना है। नजर ना लगे। पूरा एरिया बार बना के रखा है। अब निकालता हूँ मजा। वहाँ पब्लिक सो रही है और तुम लोग यहाँ मोर बन के नाच रहे हो। ये साल भर खर्राटे मार मार के सोए हो, भूल गया क्या? सर 15 मिनट और दे दीजिए, फंक्शन खत्म हो जाएगा, बस थोड़ा ही बचा है। 15 मिनट और चाहिए? ए, दिन भर तो सीटी बजा बजा के दिमाग खराब करते हो, अब रात में भी तुम लोगों की नौटंकी शुरू हो गई। भोपो बंद करो, चुपचाप सो जाओ, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा, वो ऐसा डंडा मारेगी कि सब नाचना गाना भूल जाओगे। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम आपके परिवार की रक्षा करते हैं, हमारे लिए इतना तो। पूरे कॉलोनी में सीसीटीवी लगने वाला है, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। चोर आएगा तो तेरा बाप बचाने आएगा क्या? अबे 2.5 फुट का आदमी बड़े बड़े बोल बचन दे रहा है, साले ज्यादा बोलेगा ना तो जबान काट लूंगा तेरी। मेरी जबान काटेगा अभी, तेरा केट वाला वाला राजा तेरी तो मेरी जबान काटेगा। छोड़िए उसको, आदमी सर छोड़िए, साहब इधर आइए, इधर आइए सर, जाइए नहीं सुनती है, छोड़ना। अरे वो चला गया, अरे छोड़ मेरे को, क्या कर रहे, चल तेरे को बोलता हूँ, अगर तुम लोगों ने मेरे को पकड़ा नहीं होता ना तो उसका अब तक लुंगी फाड़ दिया होता। नाड़ा नाड़ा चड्डी का नाड़ा पकड़ के सुमड़ी में घर निकल लिया होता वो। लेकिन तीन लोग पकड़ा था, पकड़ा तो था ना। अरे
घायला घोटी बिना नंबर प्लेट का गाड़ी अपने एरिया में। ए पांडू, आपको तो लगता है ये लोग नया लोग हैं। अबे वो चाहे नए हो या पुराने हो, जरा ये सोच के क्रिमिनल तो नहीं है। हाँ हाँ आ रहा हूँ। पांडू, बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी इधर लगी है। लुंगीलाल के घर के सामने गाड़ी खड़ी है, कहीं उसकी पुंगी तो नहीं बज रही। सच बोल रहा हूँ। माल किधर है? जल्दी बोल। हमें छोड़ दीजिए। छोड़ दो। बोल। हमें जाने दीजिए। जल्दी कर, जल्दी, जल्दी, जल्दी। चल वो भी निकाल। तू क्या शादी में आई है? प्लीज दरवाजा खोलिए पापा। नाले के तिलचट्टे पराई नारी को छूते शर्म नहीं आती। पराई नारी मुझे छू सकती हो। तू जो भी है बाहर निकल, नहीं तो इस बच्चे को हलाल कर दूंगा। कहाँ रे तू? मैं यही हूँ। तो डराना बंद कर और सामने आ। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच का भूत हूँ। अबे बकवास क्या कर रहा है? पीछे मुड़ के देख। बकरा, बकरा, बकरा बन गया। मार इसको, मार, और मार, और मार, थोड़ा कर। माफ करना पांडू, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम नहीं होते तो आज मैं बर्बाद हो जाता। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी। नहीं साहब, इन पैसों से अपनी मरम पट्टी करा लेना। मेरे को पैसा नहीं चाहिए, आपने इज्जत दिया काफी है। नमस्ते जी। देख रही हूँ, ये लोग फरिश्ते हैं और मैं इन लोगों को काम से निकालने वाला था। ठीक है, 1002 2003। कुछ जानकारी देंगे? रात के करीब 10 बजे इनके घर पे पहुंचा बनियान गैंग ने धावा बोल दिया। वो इनका लीवर चुराने आ गए थे और बाएं वाला फेफड़ा भी। अरे आप भी कुछ बताओ, क्या हुआ था आपके साथ? वो तो वो गुरखा। हाँ, तो हुआ यूं कि उन्होंने घूंसे मारे इनके नाक और मुंह पर और नाक से खून निकल आया, लेकिन मैं अपनी टीम के साथ पहुंच गया। अच्छा, पेपर में फोटो आधा आएगा या फुल? आप जैसा कहें। आप पहले आधा ले लो, बाद में फुल भी ले लो। और फोटो के नीचे लिखना, एक बहादुर पुलिस वाले ने सेक्रेटरी का लीवर बचाया और फेफड़ा भी। और किडनी लिखना है तो लिख देना, 2-4 बचाया। ठीक है सर। और मेरा नाम लिखना साथ में, हैरिस द ग्रेटेस्ट। फोटो खींच लिया ना? अभी वीडियो चाहिए? हाँ तो ले लेना। अरे सरकारी पैसों से लाल पानी पी पी के इनका लीवर थोड़ा खराब हो गया था। लीवर के साथ फोटो ले। चलो हो गया, मेरे को फोटो का फोटो कॉपी भेजना। ठीक है सर। ए गोटे, पता है आज मैंने 9000 दंड पे ले दीपिका को भी पीछे छोड़ दिया। इतना काय को पेले रे? अरे कमर पतली करके पुलिस में भर्ती होना है ना। खानदान के लोगों ने वॉचमैन बनके कॉलोनी की रक्षा की, मैं पुलिस वाला बनके देश की रक्षा करूंगा, चाहे कितना भी बड़ा आतंकवादी हो। मार मार पांडू। ए पांडू, ग्रानी गला फाड़ रही है, फोन मत काटना। ना बकबक करता है रे। मैं रिप्लाई देता हूं। आधा घंटे के चक्कर में हम काम पे लेट हो जाएगा। काम के दोस्त से ज्यादा जरूरी है। बचपन में मेरी अंडरवियर पहना करता था, भूल गया क्या? उसमें 506 होता था। अकड़ के लट ठोकना है, मैं हथौड़ी लेके आती हूं। हथौड़ी की क्या जरूरत है, मैं मोबाइल से ठोक देता हूं ना। क्या कर रहा है? दादा की खोपड़ी क्यों फोड़ रहा है? कल मुहे ले दे के एक निशानी तो बची तेरे दादा की, वो नहीं बजेगा तो मैं कैसे बजूंगी? और कितना बजेगी? दिन भर तो एफएम रेडियो की तरह बजती रहती है, कुछ नहीं तो बड़ी बड़ी गालियां देती रहती है। अरे मैं होने वाला पुलिस हूँ, जा मेरे लिए कुछ खाने को ले क्या? अरे इतना खाएगा तो एक दिन फट जाएगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जल्दी से कुछ खाने को लेके आना यार, सुबह से खाली खाया। फिर मांगेगा तो झाड़ू से मारूंगी। ये क्या घास फूस? ये ऐसे नहीं मानेगी, इसके मर्द की खोपड़ी दबा दे। मेरे पति की जान के पीछे नहा दो कि क्यों पड़ा है तू? खोपड़ी दबेगी तभी तू मानेगी। अच्छा वो सब छोड़, तू इधर इधर स्टूल पे चल। अरे खड़ी खड़ी देख क्या रही है, जल्दी आना। रने, तू मेरे को खाने के लिए देती नहीं है ना, अब तक स्टूल पे चढ़ कर चल चल जल्दी स्टूल पे चढ़। क्या चाहिए? हाथ चाहिए? ले पकड़ मेरा हाथ। क्या बात है, चलो बुढ़िया चढ़ गई चने के झड़ पे। आशीर्वाद दे रने, क्योंकि मैं जा रहा हूँ पुलिस। सर, सर। हाँ ओके ओके। हाँ सुनो, अभी तुम लोग सब छोटे छोटे पिल्लू हो और सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें रात में क्यों बुलाया। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, पर टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बताता हूँ। पिल्लू लोग, मैं रात का काम दिन में और दिन का काम रात में करता हूँ, इससे एनर्जी डबल हो जाती है। सो आई चूज नाइट।
अब स्टेमिना बढ़ाने के लिए तुम लोग एक्सरसाइज करोगे, रनिंग करोगे, जंपिंग करोगे, रेसिंग करोगे। जो ट्रेनिंग में फर्स्ट आएगा उसे मैं बड़ा इनाम दूंगा। इनाम लेने को तैयार हो जाओ। सुपर, इनका डाइट प्लान बनाओ। मुझे पिलपिली गैंग में तगड़े लोग चाहिए। ऐसा है हरेश, फ्री में मंगा लूंगा। बहुत अच्छे। देख कौन आया। सर, मिस्टर हरीश चिटकुले, थ्री स्टार होनहार इंस्पेक्टर, बड़े से बड़े गुंडे का कान चबाने वाला। आई एम प्राउड ऑफ यू बेबी। थैंक यू सर, इट इज माय प्लेजर। वेलकम। सर आईजी साहब, रात को भी यूनिफॉर्म में कुछ समझ नहीं आ रहा है। चुप रहो। यूनिफॉर्म में नहीं तो क्या नंगे आएंगे? नॉनसेंस। आईजी साहब बउआ छोड़कर मुआयना करने आए हैं, और नाइट सूट में नहीं यूनिफॉर्म में आए हैं, ये उनकी महानता है। वो चड्डी में भी आ सकते थे, पर वो बिल्ला लगा कर आए हैं। 4 किलो का एक है, और इनसे फालतू सवाल पूछ रहे हो। इस पर चिल्ला के क्या होने वाला है? ये जो बोल रहा है एकदम करेक्ट है। ये आप क्या बोल रहे हो, मैं समझा नहीं। एकदम बराबर बोल रहा हूँ। ये आईजी की यूनिफॉर्म है, पर मैं आईजी नहीं हूँ। क्या हो गया, चक्कर आ गया ना? ये यूनिफॉर्म मेरे धोबी ने दी थी। 3 दिन से धोबी का कुत्ता बीमार था और जेब में अटन्नी भी नहीं थी, तो मैंने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया, उसके कुत्ते को हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके बाद उसने मेरा एहसान उतारने के लिए ये यूनिफॉर्म और मेडल भाड़े पे दिया, समझा तू? दैट्स इट। मिस्टेक से गलती हो गई। कैसे? इन आंखों से तेरे जैसे फटीचर को देख के भी मैं आईजी समझ बैठा। इट्स अ बिग मिस्टेक। बिल्लू लोग, थ्री इडियट्स का फर्स्ट इडियट देखा है क्या? मैंने देखा है ना। देख लो, सेल्फी ले लो। गाइस, थ्री इडियट्स का सेकंड इडियट देखना है क्या? मेरे पीछे खड़ा है, देखो। आउट, गेट आउट, शट अप। देखना, एक दिन तो मेरे को सैल्यूट करेगा। चल निकल यहाँ से। ए, इसको आने किसने दिया? उड़ा ले बच्चा, मजाक उड़ा ले। कल इसी ग्राउंड में तुझे पार्ट नहीं करवाई ना तुम। सर्कस के जोकर पुलिस एकेडमी में? दो, एक, 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 दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। अरे माँ का दूध पिया तो लड़के क्या हो गया? मजा कर रहा है। दो, one, two, one, two, one, two, one, two, one. सर, आपका कुत्ता आ गया सर। two, one, two, one, two. क्या बोला रे तू? मैंने कहा आपका कुत्ता। कुत्ता मत बोलना उसको। His name is Undertaker. Undertaker के खानदान का है क्या सर? अच्छा सवाल पूछा। Undertaker की बॉडी कैसे बनी? पेडिग्री खा के। पेडिग्री मतलब सर? कुत्ते जो खाना खाते हैं ना वो। मैं पेडिग्री अपने कुत्ते को खिलाता था, इसके खाने के बाद जो बच जाती थी वो Undertaker खाता था। सच में सर? अरे अब तुझे ये बात किस तरह समझाऊं? ये बात समझने के लिए पहले तुझे जाना पड़ेगा। मैं समझा नहीं सर। ये समझने के लिए तुझे गहराई में जाना पड़ेगा। तो मरने के बाद जाते हैं। मत कर, इट्स वेरी डेंजरस। But he is the only winner. मेरे एक इशारे पे ये चुटकी में सबको पीछे छोड़ देगा। देखा ना कैसे शेर की तरह भाग रहा है। आपने किया सर? सिर्फ 3 फीट का जंप मारा है। ये कलाबाजी तो उसने पैदा होते ही शुरू कर दी थी। ये तो कुछ भी नहीं है। अरे बाप रे, 4 फुट से जंप किया सर। अच्छा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतने में ही हार्ट फेल हो गया। करेक्ट सर। मेरा कुत्ता है ना अंडर, क्या बात है सर? वो बिल्डिंग कूदता है। एक बार आईजी ऑफिस का टावर कूद गया। अभी देख, आजा 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 मेरे शेर, मेरे अंडरटेकर आजा। वेट, मेरी बीपी की गोलियां दो। ये लीजिए सर। सर अंडरटेकर भाग रहा है, बीपी आपका बढ़ रहा है, बात कुछ हजम नहीं हो रही। लोग सोचते हैं टेंशन से बीपी बढ़ता है, कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी से भी बीपी बढ़ जाता है। और अभी जो खुशी मुझे मेरा अंडरटेकर देने वाला है उसके लिए मैं गोलियां खा रहा हूँ। ऐसा क्या? आजा आजा, अभी 8 फीट का जंप मारेगा। आजा आजा, कम ऑन अंडरटेकर, आजा 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 मेरे शेर, आजा। अच्छा, कहीं चांद पर तो नहीं चले गए? ओके, आलसी हो गए। सर, अंडरटेकर को अंडर से निकलने की आदत हो गई है। सर, ये कुत्ता शायद धोबी का है, न घर का न घाट का। बीपी की गोलियां तो जरूरी है, ये लीजिए। कबड्डी खेल रहा है कि भाला फेंकने आ गया है? आंख फोड़ेगा क्या मेरी? चल निकाल। इंस्पेक्टर, तूने मेरे को अनफिट बोला था ना, अब देख ये भाला तेरे को फिट करेगा। जा जा जा, बड़ा सा होल कर दे। क्या हुआ, हवा निकल गई क्या? अबे ओ गधे, कैसे फेंकता है, लग जाता तू? सब लोग यहाँ पर तुम्हारी मर्जी से चलते हैं, मैं नहीं चला तो तुम्हें मिर्ची लग गई। इस भाले पे मिर्ची लगा के तेरे अंदर ही घुसेड़ दूंगा।
सुनो ए मुच्छड़। हाँ सर। मैंने अंडरटेकर को बॉम्ब ढूंढने की ट्रेनिंग दी है। बॉम्ब छुपा के रखने वाला भी भूल जाएगा पर मेरा अंडरटेकर बराबर ढूंढ निकाले। वाह क्या बात है। अब उसे ध्यान से देखो और सीखो। देखते रिचार्ज हो गया। बिल्कुल आप गया। अरे कहाँ जा रहा है अंडरटेकर? ए रुक। अरे कहाँ जा रहा तू? इधर इधर। अरे बॉम्ब सुनना है। इधर क्यों जा रहा है? अरे क्या कर रहा है? रुक जा। अरे अंडरटेकर जिसका बैग है वो मारेगा हमें। अरे यार सर बिस्किट का इंतजाम हो गया। ये देखिए चाय लेकर आऊं क्या? सर अगर ये ऐसे बिस्किट ढूंढता रहा तो हम बिस्किट की दुकान डाल सकते हैं। ए पिल्लू जंप। गुड। वेरी गुड। अगर मैंने जंप मारा तो फटी पैंट से सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी बाहर आ जाएगी। चलो चलो जल्दी करो। जिधर जंप मारे उधर तक पहुंचने का एक ही आइडिया है। एक एक डंडी उठा रहे। अरे क्या कर रहा है भाई? ए भाई जंप कर रहा है वेट लिफ्टिंग नहीं। पकड़ो ना सर मैं थक गया। जंप मार के इसको कोई भी पार कर सकता है पर बिना जंप मारे कभी किसी ने पार किया है? आज मैंने वो करिश्मा करके दिखाया फिर भी मुंह लटकाए खड़े हो। अरे छोड़ो सर आप मेरे लिए अनफिट हो। आप मुझसे जलते हो। मेरी एक बात मानेगा? ये सब भंगार उठा है कबाड़ी वाले को बेच दे। अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से गांव का टिकट निकाल और दफा हो जा। लेकिन क्यों सर? सर चलाते क्यों? मिलकर मारते हैं। गाना सुनाता हूँ। कौन सी पिक्चर का है वो? गदर है ना उसका। गदर का है? वाह सनी देओल कहाँ सुना? विविध भारती पे सर। उसके गाने तराने मेरा बहुत फेवरेट है। गुड। और क्या क्या हराम की चीजें पसंद है तुझे? और कुछ नहीं सर खाना और खर्राटे मारना। आज के जमाने में भी इतनी मेहनत? लिफ्ट किधर है? मैं ऐसे ऊपर नहीं चढ़ूंगा। फिर से आ गया। सॉरी सर। सुन धरती के बोझ ये तेरा आखिरी टेस्ट है। फिर तेरा सिलेक्शन पक्का। खाली तुझे इस रस्सी पे चढ़ना है। सर ये रस्सी चढ़ना जरूरी है? फिलहाल चुपचाप रस्सी पे चढ़। अच्छा अच्छा। ज्यादा ऊंचा नहीं है सिर्फ 8 फुट है। जल्दी जल्दी चढ़ जा बड़ा वाला इनाम मिलेगा। कब से तेरे लिए इनाम रेडी है? उसके बाद नौकरी पक्की? वादा मतलब वादा। या तेरा अपॉइंटमेंट लेटर छपेगा या मेरा रेजिग्नेशन। हाँ वादे से मुकरना मतलब नहीं है क्या? अब देखो कैसे सर से रस्सी पे चढ़ता हूँ और आप मुझे फर से नौकरी दे देना। एक बार कह दिया ना जैसे ही तू ऊपर चढ़ा या तेरा अपॉइंटमेंट या मेरा रेजिग्नेशन। मगर 35,000 मेरे खाते में पक्का। श्योर? प्रॉमिस। श्योर है ना? वादा। आप सोच मत शुरू हो जा। सर वो क्या है कि आज मेरा दिन थोड़ा खराब था। आप नौकरी दे दो बाद में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको लात नहीं मारूंगा आपके बाजू वाले को लात मारूंगा। फिर अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी रनिंग भी शॉर्ट पुट भी भाला फेंक सब। नौकरी चाहिए? हाँ बिल्कुल सर। तुझे मिलेगा एक अंडा। मैं समझा नहीं सर। एक नंबर का बेवकूफ है तू। नौकरी तो क्या जीने के लिए भी अनफिट है तू। समझ गया ना? एक तू और एक वो दोनों एक जैसे हो नाकारा। मेरी बराबरी इससे कर रहे? अपने आप को लकी समझ क्योंकि तेरी बराबरी इसके साथ हो रही है। चल अब निकल। सर इस आलसी कुत्ते का क्या करना है? ससुर को गिफ्ट कर दे या फिर छोड़ दे इसे। साथ में धरती के बोझ को भी ले जा। दोनों किसी काम के नहीं। बहुत हो गया सर। लोग बहुत देर से मैं चुपचाप हूँ। मेरी शराफत का फायदा मत उठाओ। भाई बन रहा है क्या सर? पता है ना कहाँ है तू? गांजे की स्मगलिंग के केस में चोरी के केस में या किसी मर्डर के केस में फंसाकर अंदर कर दूंगा तुझे। बहुत बोल रहा है ना। जब मैं बड़ा बनूंगा तो तेरी औकात दिखा दूंगा। चल आज तू गाली दे दे पर कल मेरे सामने सर झुका के खड़ा रहेगा। अच्छा, और क्या? मैं सर झुकाऊंगा। अरे आप फोड़ दी कितना गरम थूक है। इसके सामने मैं सर झुकाऊंगा। पांडू पुलिस का जॉब तेरे लिए पनौती है। दादी ने वॉचमैन बनने को कहा है मान क्यों नहीं जाता? ए, क्या एक जीरो वॉचमैन बनेगा ना तो चलेगा लेकिन एक हीरो वॉचमैन बनेगा तो कैसा लगेगा? कर दी ना गलती। अगर बंदर को उस तरह दे दिया जाए तो वो गला काट ही देगा ना। सॉरी भाई चलता हूँ। पांडू क्या हुआ इस बार भी हकाल दिया क्या? हाँ ग्रेनी ले मेरा बच्चा।
देखना जिसने हकाला ना वो बिस्तर में मुँहतेगा, ये मेरा श्राप है। एक रहने। बोल ना मेरा बच्चा। अगले 3 साल तक मेरे को ढूंढना नहीं। हाय हाय क्यों? उस कमीने ने मेरे को रिजेक्ट किया ना, अब मैं IAS की पढ़ाई करूंगा, IPS का इंटरव्यू दूंगा। मेरे मुँह पे जो थूका था अब मैं उसके मुँह पे थूकूंगा। आके ऐसा कान के नीचे बजाऊंगी ना कि तेरे सारे बाल झड़ जाएंगे। अरे मेरे को सब पता है, तू उधर ही भेजना चाहती है ना गुरखा वाले बकवास काम पे, तो खुद जाके कर लेना। क्या बोला तूने? जिस काम को तू बकवास कह रहा है ना पांडू, उस काम को करते करते तेरे दादाजी ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। तेरे दादाजी कॉलोनी के गुरखा थे, पर कोई उनकी इज्जत नहीं करता था। सब सब नमस्ते सब। तेरे को एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? जा जाके चौकीदारी कर, अभी दीपावली में 10 दिन बाकी है, भीख मांगने आ जाता है, चल निकल। शुक्रिया साहब। लोगों की गालियां सुनने के बावजूद वो खुशी खुशी अपना काम किया करते थे। एक दिन की बात है, कॉलोनी में किसी की सगाई थी और कॉलोनी के सारे लोग सगाई में गए थे। तभी वहाँ कुछ गुंडे आ गए और कॉलोनी के लोगों को मारने लगे। उस हमले में तेरे दादाजी की मौत हो गई। अपनी जान खोकर उन्होंने कॉलोनी वालों की जान बचा ली, और तू है कि उनके काम को बकवास कहता है। रैनी, जब दादा आग से खेल सकता है तो पोता बारूद के ढेर पे बैठ के आतिशबाजी तो कर ही सकता है ना। चल फोन रख। कितना लंबा पकती है ये बुढ़िया, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी, लगता है वॉचमैन बनना ही पड़ेगा। फोन वापस कैसे आ गया? इसको पंख है क्या? चल वापस जा। इसमें कहीं दादा तो नहीं आ गए? I hate you। फिर आ गया? जरूर कुछ लोचा है। अरे तू है क्या? ए इधर आ। ओ तुझे भी भगा दिया। ए मैं इस झंझट से पीछा छोड़ना चाहता हूँ और तू मेरे सर पे पटक रहा है? बहुत चालू है तू। तू पुलिस का कुत्ता बनना चाहता है, वैसे ही मैं भी पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। आपस में दोस्ती कर लेते हैं, दोनों भी फायदे में रहेंगे। वैसे मेरा नाम तो पांडू है, तेरे को क्या कह के पुकारा था रे उसने? अंडरटेकर बराबर ना? वो ACP तेरे को कामचोर बोल रहा था ना? वादा करता हूँ मैं पुलिस वाला बनूंगा ना, वो ACP तेरे को सलाम ठोकेगा। अभी पावर नैप 15 मिनट, सो जाने का, रिलैक्स माइंड। ओके 1 2 3। ये तो मेरे से भी बड़ा आलसी और कामचोर है। ओके गुड नाइट। अरे दीवारों जो पैम्पलेट चिपकाया है, ये किसकी फोटो है? लगता है कॉकरोच को फ्रॉक पहना दिया है। शक्तिमान सिक्योरिटी सर्विस है, आदमी चाहिए शक्तिमान की तरह एनर्जी और जोश से भरपूर, स्टील बॉडी वाले घबरू नौजवान चाहिए। तुम्हारा शक्तिमान। अंडरटेकर शो का टाइम हो गया, कल सुबह शक्तिमान सिक्योरिटी सर्विस। जापान, भूटान, अमेरिका, पाकिस्तान, इतने देशों में जान पहचान, आप पड़ा। वो अटरिया पे किसका लोटन कबूतर रो रहा है?
भी चाहिए। और लोग उसको टाटा क्यों कर रहे हैं? अरे बाप रे, बच्चा कूद गया, अब इसको कौन बचाएगा? हो शक्तिमान, बच्चा जाओ, जाओ शक्तिमान जल्दी जाओ, अरे जाओ बच्चे को बचाओ जल्दी, वो गिर रहा है, जाओ जाओ। क्या बात है, बचा लिया, मैं तो परेशान हो गया था। मत हो ये परेशान, बचाने आपकी जान आ रहा है, ये शक्तिमान, शक्तिमान सिक्योरिटी सर्विस। हमारा तेरा तो जवाब नहीं शक्तिमान, बस बॉडी कंकाल की तरह है, नहीं तो बाकी सब ठीक है। उठा जल्दी उठा, हराम की पावर, क्या हो गया? उठा नहीं तो तुझे उठा दूंगा। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है, सब अंदर जाके देखना पड़ेगा, कहीं शक्तिमान का जनाजा तो नहीं उठ गया। बुढ़ाऊ मिनिस्टर की सिफारिश पे तुमको रोका, दोम लगा दोम दोम। अरे हैंड पंप को खाने को नहीं कह रहा, सब एक्सपायरी डेट वाले बोल रहे पड़े। मैंने क्या बिगाड़ा तेरा भगवान, ये कौन आता है? जेम्स बॉन्ड की औलाद, काजू है तुम लोगों पे, एक कैन नहीं उठा पा रहे हो। आज से तुम्हारा नौकरी पक्का। थैंक यू सर, मैं जहाँ जहाँ नौकरी मांगने गया सब जगह से लात मार के निकाल दिया गया, पर जिस जॉब के लिए इंजीनियर और ग्रेजुएट दर दर भटक रहे हैं वो जॉब आपने मुझे दे दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जेम्स बॉन्ड, जरा हाथ तो मिलाइए। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं सर आपके, बस 2 हफ्ते, इसलिए जितना हो सके मजा कर लो। सिर्फ 2 हफ्ते का मेहमान, ये हुआ 1300। जय हिंद। क्यों भाई, दारू पी के सड़क पे लफड़ा करता है और मना करने पर पुलिस को मारता है? अरे बहुत चर्बी चढ़ी है तेरे को। अरे अरे सर, ये बुढ़ो तो लंगड़ा है। सब 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 ये मेरे पति हैं सब, इन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने ये दारू पी के रोड पे हंगामा कर रहा था और जब पुलिस रोकने गई तो हाथापाई पे उतर आया। अगर काम धंधा नहीं है तो घर पे बैठा हो ना, हमारा काम क्यों बढ़ा रहा है? और इसके पैर को क्या हुआ? अरे सर गटर में गिर गया होगा या फिर किसी ट्रक ने उड़ा दिया होगा इसको, बेवड़ा तो है साला। नहीं नहीं साहब, ये एक सर्विसमैन है इंडियन आर्मी से, मुंबई के ताज होटल अटैक में इन्होंने अपना पैर खो दिया। अब ठीक तो है ना? सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप आर्मी से हैं। सॉरी, उससे क्या फर्क पड़ जाता, आप थोड़ी सी इज्जत और दे देते, काश उस अटैक में मर जाता, टीवी अखबार में फोटो दिखा देते, व्हाट्सएप ट्विटर में लोग मुझे श्रद्धांजलि दे देते। जिस दिन से अपाहिज बना हूँ सिर्फ अपमान ही झेल रहा हूँ। शकल अच्छी नहीं है तो कम से कम ड्यूटी के लिए एरिया तो अच्छा दे देते, खंडर में बिठा के रख दिया, ये भूत बंगला ही मिला था क्या मेरे लिए? पता है रोज रात को भेड़ियों की आवाज आती है। वो भेड़िए की नो है, पड़ोसी के खर्राटों की आवाज हो आए। अच्छा ठीक है ठीक है, अभी मेरे टाइम खोटी मत कर समझा। हाँ। किसी से सलाम ठुकवाने के लिए मेरे को IPS बनने गए, जानता है शक्तिमान उसने मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया था। अरे किधर जा रहा है, मेरी दुख भरी कहानी खत्म नहीं हुई। अरे किधर चली सवारी? जिम जाता है। ठीक है कल सुबह आ जाना, बाकी बचा हुआ सब उल्टी कर दूंगा, चल अब कल्टी मार। अरे बोलने के बाद उधर ही खड़े, पाइल्स हो आए तो डॉक्टर के पास जाना, फोड़ा बढ़ जाएगा। अभी तक तो इंग्लिश में थी, अभी जर्मन में कैसे होगी? ओ अरे उल्टा है क्या? गांधी जी को राष्ट्रपिता बोला जाता है, पर जानते हो उनके पिताजी का नाम क्या है? उनके पिताजी का नाम है, वो है करमचंद गांधी। कौन मार रहा है? अरे नन्हे मुन्ने दूध के कटोरे, छोटे बंदूक देना। स्वयं कालिया इधर छुपा है, निकल बाहर, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे निकलता है कि नहीं? अच्छा तो उधर है, रुक अभी आता हूँ। आई रुक जाओ, कोई गन लेकर के आ रहा है, अलर्ट हो जाओ सब लोग, कोई टेररिस्ट अंदर आ गया, चलो। कायरों की तरह मुंह मत छिपा अपना,
चल बाहर निकल, निकल बाहर, मर्द की तरह आमना सामना कर। अब एक दर्जन बच्चे होंगे। हाय मैडम। हाय। दिस इज नकली गन। ओके। इनको रोको ना मैडम। इज दैट योर बॉय? थोड़ा सा स्लो मोशन में बोलो ना। स्लो मोशन में बोली तो समझ लेगा। उसे बदबू आ रही है, दूर हटा। आप बोलो ना मैडम। इज दैट योर बॉय या सन? अब ऐसे मैडम बोल ली कि वो खेत की फसल तेरी है के? नो 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 नो। आई ओनली एम वन सिंगल। एकदम कौला कौला माल, हमेशा तैयार फॉर डेटिंग। व्हाट्स योर नेम? पांडो। बहादुर पांडो रंग। नाइस टू सी यू पांडो। वैसे मुझे इंग्लिश के साथ साथ थोड़ा बहुत हिंदी भी आता है। सी यू मैडम। यस। व्हाट इज योर स्वीट नेम? मार्गरेट। मार्केट। मिलके अच्छा लगा पांडो। लगता है मार्केट में पैदा हुई थी। चल मार्केट में आए। अगली बार अपना एटीएम लेकर आए ना तो गोली मार दूंगा तन्ने। डलिया तो मार्केट की सारी दुकानें मेरे नाम पे हो जाएंगी। चल भाग। क्यों मोहतरमा, ये क्या चल रहा है? तुम्हारी बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं। ये देखो इतनी कंपनीज ने वीजा अप्लाई किया है, इसमें से एक कंपनी मेरे साले की भी है। सबका कैंसिल किया, मेरे साले का भी कर दिया तुमने। बाप का राजा क्या, दिमाग खराब करके रख दिया। Excuse me. मैम मुझे थोड़ी कॉफी मिलेगी? ओके मैम। बिरजू जी सर। देख रहा है महारानी को, कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। मैडम एक सीएम से पंगा लेना भारी पड़ेगा आपको। सर जी, पारा मत बढ़ाइए। ये जो यूएस वाले है ना, खुद को 30 मार का समझते हैं। जो भी इनसे पंगा लेता है ना, उस पर बमबारी कर देते हैं, फिर वो कहीं का नहीं रहता। क्यों खामखा फटे में टांग अड़ा रहे हैं? ऐसा है क्या मैडम? हम अमेरिकन्स को यहाँ इंडिया में नौकरी देते हैं तो हमारे लोग वहाँ चना कुरमुरा भी नहीं बेच सकते। यू मेक श्योर योर एम्प्लॉइज गेट एम्प्लॉयड इन योर कंट्री एंड आई विल मेक श्योर माइन गेट एम्प्लॉयड इन माय कंट्री। क्या बकवास कर रही है बिरजू? तुम्हारे लिए एहसान कर रही हूँ, इसके लिए थैंक यू कहो। बिरजू ये गोरी तो बिना काम किए ही थैंक यू मांग रही है। दिस मीटिंग इज ओवर गाइस, मुझे और भी काम है। थैंक यू। ये जा रही क्या? अरे मैडम, अरे मेरी बात पूरी नहीं हुई। चली गई, चुप हो जाओ। अरे गधे, उसे रोका क्यों नहीं? अगर मेरे साले को वीजा नहीं मिला ना, बीवी तलाक दे देगी। अरे वो चली गई तो मेरी क्या गलती है? सुधर जाओ नहीं तो सीएम को पीए बनते देर नहीं लगेगी। अमेरिकन एम्बेसडर को किडनैप करना आसान नहीं। सीएम के साथ कितने गार्ड्स रहते हैं? उनके साथ तकरीबन 36 गार्ड्स मौजूद होते हैं। सीएम से इम्पोर्टेंट नहीं है तो गार्ड्स भी कम होंगे, किडनैप करता इंटरनेशनल इशू बन जाएगा और हमें एक इंटरनेशनल अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी, तो यही है हमारा असली शिकार। गार्ड से फर्क नहीं पड़ता त्यागो, लेकिन अगर एनएसजी इन्वॉल्व हो गई तो 10 लोगों के साथ मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। मुंबई के ताज अटैक में एनएसजी कमांडोज को आने में 9 घंटे लग गए थे कि नहीं? हमको 4 घंटे बहुत है, काम निपटा के निकल लेंगे। ए, क्या बकवास कर रहा है? क्रिकेट खेलते हुए टांग नहीं गवाई मैंने, समझा? मुंबई के आतंकी हमले में हुआ ये मेरे साथ। ये सही है कि हमारी टीम वहाँ 9 घंटे बाद पहुंची थी क्योंकि उस वक्त बहुत ट्रैफिक था और बहुत दूर थे हम, लेकिन यहाँ चेन्नई में एनएसजी कमांडो की बहुत बड़ी छावनी बना दी गई है। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में 240 कमांडोज आके हमें खरगोश की तरह भून डालेंगे। वैसे प्लान कब एग्जीक्यूट करना? अक्टूबर 16th। दिलीप, पिछले साल अक्टूबर 16 को कोई मेजर इवेंट हुआ था क्या? उस दिन तो रेजिंग डे मनाया गया था। क्यों मोहन, ये बात कैसे भूल गए तुम? फिर तो सारे गार्ड्स उधर ही होने चाहिए। कम से कम 90%। पता चल गया तो उन्हें वहां पहुंचने में 6 घंटे लगे जाएंगे, तब तक हमारा काम हो जाएगा और वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि अम्बेसडर हमारी हॉस्टेज होगी। एसी में काम करने वालों को लाखों की सैलरी मिलती है, फिल्म में फौजी का रोल निभाने के लिए करोड़ों मिलते हैं, और जो सरहद पे जान देते हैं उन्हें पेंशन के नाम पे सिर्फ भीख मिलती है। अमीरों की जेबें भरती रहती हैं और हमारे हिस्से में आती है गोली। अब और गुलामी नहीं होगी, अगर हमारा हक देंगे नहीं तो हम उसे छीन लेंगे। ए गोटे, ये जुदाई और बर्दाश्त नहीं होती है रे। जलपरी चांद की तरह दूर हो गई है, किसी रॉकेट का इंतजाम करना। तेरी रॉकेट चांद पे जाके क्रैश हो जाएगी। अबे भरी जवानी में मुझे मार रहा है, तू दोस्त की दुश्मन है? तुमको मरने से बचा रहा है। बातों से तो लगता नहीं है। वो देख मेरी जलपरी तितली की तरह मंडरा रही है।
अगर और ज्यादा देर इससे दूर रहा तो बिन पानी की मछली की तरह तड़प कर मर जाऊंगा। ओए पांडू, क्या रे? जलपुरी ऐसे हाथ नहीं आएगी। मैं कुछ समझा नहीं रे गोटी। उसके लिए आइडिया चाहिए। अरे आइडिया चल के थोड़ी आएगा, सोचना। सर मैं चिपकट से आया हूँ, मैडम ने थर्मोकोल ऑर्डर किया था। तुम बोल रहा था कि आइडिया चल के नहीं आएगा, ये देखो ये तो खुद गाड़ी पे आ गया। जरा सीधे चलना, ऐसा लग रहा है खड़बड़ रास्ते पे चल रहा हूँ। तुम खा खा के इतना मोटा हो गया है कि हम बिन पिए डोल रहा है, क्या जरूरत है इतना मुंह चलाने का? तो खा रहा था, वजन अपने आप बढ़ गया। ए, रुक जा। ए, ये तो उसे टकले की आवाज लगती है। कौन है तू? छोटा मोटा डिलीवरी वाला। डिलीवरी वाला? तेरे से बड़ा तो तेरा पार्सल है, क्या है इसमें? सर मैडम ने काला चिंपांजी मंगाया खेलने के लिए। मुझे काला चिंपांजी बोला? मैं तुझे बाद में बताता हूँ। अच्छा काला चिंपांजी, इसे नीचे उतार खोल के चेक करना पड़ेगा। सर सर सर, मारपीट के पैक किया है, खोलेगा तो फुर हो जाएगा। बॉस बचा लिया तूने। रैम्बो, मेटल डिटेक्टर से चेक कर। अच्छा कौन खटखटा रहा है? हाँ ठीक है जल निकल ले तू। कोरी मैडम को काले चिंपांजी बड़े पसंद आ रहे। अरे चाइना माल बॉर्डर क्रॉस हो गया, जल्दी चल। अरे पांडू ये ग्रेविटी तुमको कुछ ज्यादा खींच रही है, हम नहीं रोक सकता। मत गिरा देना। एक दो दिन रुक, नीचे रख इसने। मन्ने गड़बड़ लग रही, खोल के दिखाई से। सर सर सर, दादी की कसम अंदर चिंपांजी ठुसा है। उसके लिए दादी को मार रहा। अरे बाप रे, खोल दिया तो भांडा फूट जाएगा। लेकिन मैं भी आसानी से ना छोड़ू, स्कैनिंग करेंगे इसकी। बुड्ढी को मारेगा तू? सर स्कैन कर रहे। सर 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 सर, छोड़ दो छोड़ दो। सर गजोदर ध्यान से देखिए, कहीं अंदर खतरनाक बॉम्ब ना होवे। सर क्या हुआ? तो बॉडी है सर। पकड़ साले को। अरे गार्ड हो या पिंजरे वाले, कितना मारा पुराना राजा बाबू। कचरे के डिब्बे में क्यों घुसे? आज तो इसमें आया हूँ, एक बार रिश्ता पक्का हो जाए तो मैं डोली लेके आ जाऊंगा। डोली लेकर आएगा? 72 जन्म में भी वो तुझे नहीं मिलने वाली। मनोती मत लगा, एक बार मेरी सेटिंग करा दे बस, ऊपर वाला फ्लैट भाड़े पे दे दूंगा। मैं तुझे क्या बेवकूफ लगता हूँ? अरे मेरे बच्चे तेरे को मामू मामू बोलेंगे। मामू बनाएगा तू मुझे? भाभी को जाके बोलूंगा कि तू एक गोरी के बॉडी को गार्ड करता है, तब पता चलेगा। तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तेरे चक्कर में मेरी नौकरी छूट गई ना, तो मेरे बच्चों को लॉलीपॉप कौन देगा बे? अरे हम लॉलीपॉप दे देंगे ना रे गोटी, पूरा फैक्ट्री दे देगा। सुन लिया ना, देगा। सिर्फ लॉलीपॉप ही नहीं देंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उसको महान इंसान बनाएंगे। तेरे जैसे कबाब में हड्डी नहीं। बच्चे तो ठीक है, बीवी का क्या? अबे बीवी का क्या पूछता रुक, तेरी तो पता था तुझे बीवी का क्या? शादी के वक्त 7 कसमें खाई थी, भूल गया क्या? विश्वास, प्रेम, त्याग, आदर, बलिदान, सदाचार और समर्पण। चलो रे, कैसा मलिक छू इंसान, इसका बदला लेगा नहीं इसको। पांडू अंडरटेकर, वो कंकाल देख रहा है, वो इंसान है, हड्डी समझ के काम करो। थोड़ा आगे होने दे, थोड़ा बढ़ गया क्या? दोरो सिंह बोहरा, रुक, कंट्रोल कंट्रोल। आ गया सर। ड्यूटी पे लोग जाओ, जोर से बोलो ना, बह रहा हूँ। ओए बोहरा, उस मोटे को उठा और खुद को बिठा जाओ। हां बॉस। हां ये कौन है जिसका माइक्रोफोन खराब हो गया? जा 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 जा, चला उठो, तुम्हारा छुट्टी। अरे लेकिन कल को चल भागना। जेम्स बॉन्ड, बको ना बॉस, आज तुम्हारी लॉटरी लगने वाली, एकदम ढिंचक जगह ले जा रहा है। आओ सीट गरम करो। तो कैसा लगा? ये मैरिज हॉल के पास कहीं को लेके आ गए? अरे पोंडू ये हॉल नहीं मॉल है। अरे शॉपिंग करना है तो खुद चले जाओ ना, मेरे को क्या साथ में लेके आ गए? जो भी घुमा, थोड़ा अकल लगाओ, ये शॉपिंग मॉल है। जलपरी से दूर कर रहा है, नौकरी आखिर लॉइन पे आ गया ना। ये वही जगह है जहाँ के लाख घूसे खा के मैं शक्तिमान बना। अगर मेरी ही तरह गाली खोएगा, खून बहेगा, तो एक दिन प्रमोशन जरूर पाएगा। बकवास मत कर, नहीं तो तेरी हड्डियां अंडरटेकर को खिला दूंगा। बहुत दिन का भूखा है, चबा चबा के खाएगा अच्छे से। चल जाए ऐसे। अरे पांडू पांडू पांडू, अब क्या हुआ? जिंदगी में पहली बार तेरे जैसा कौला चौकीदार मुझे मिला है। मत ऐसे नहीं माने। मैं 100 बार बाथरूम जाता हूँ। अरे तू दिन भर बाथरूम में ही बैठे रहना। और हाँ, डायबिटीज है, बार बार भूख लगती है। उसका क्या? चौथा माला पे किचन हो, कड़ाही में ही मुंह घुसा लेना। ये तो बहुत चालू मन लगता है, इसको सिंपल समझा था। हो गया लाइन पे, हो गया। हाँ तिमान, ये जो अंडरटेकर है बिल्कुल मेरे भाई जैसा है। बचपन से लेके आज तक हम दोनों ने एक ही थाली में खाना खाया है। अब अगर तूने अंडरटेकर को काम पे रख लिया ना, तो मैं भी रुक जाऊंगा। पर मॉल में डॉग ले जाना अलाउ नहीं है पांडू। जब तेरे जैसे चिपकली अलाउड है, तो फिर ये प्यारा कुत्ता क्यों नहीं? जा, मैं तेरे जॉब को लात मारता हूँ, जा। नहीं चाहिए तेरी नौकरी। सुनो तो, तेरे पैर पड़ता हूँ, प्लीज ये ड्यूटी कर ले, मैं तेरी पगार डबल कर दूंगा। तू बड़ी बड़ी फेंक तो नहीं रहा है ना? तेरी कसम। और मेरे इस भाई का क्या? जिस हाथ से खाने का निवाला मेरे पेट में जाता है, वो हाथ तो इसके पास है ना शक्तिमान। मैं तो इस मॉल में एसी की हवा खा सकता हूँ, लेकिन इस बेचारे का क्या? गली गली भटकेगा, किसी गटर में जाके मुंह काला कर लेगा।
जब ये जानवर होके त्याग और बलिदान दे सकता है तो हम इंसान होके दोस्ती नहीं निभा सकते। चल अंडरटेकर। तो मिल्खा की तरह भाग रहा है। मैडम Hey, स्वागत है। Nice to see you, Sharma ji. Please, how are you? मेरी तो निकल पड़ी। मिल्खा जी, आप उसको कैसे जानते हो? तुम्हारा मतलब है वो फ्रेंडली? वो मार्गरेट है, अमेरिका से आई है। बचपन से हम लोग क्लोज फ्रेंड्स हैं। ये बचपन सपने में आया था? अरे मजाक मत कर, हफ्ते में 3.5 बार आती है मुझसे मिलने। क्या है कि वो योगा क्लासेस करती आके। सर यहाँ बॉडीगार्ड नहीं रहते क्या? उसको बॉडीगार्ड से एलर्जी है। When I coming, bodyguards going, उसका दिल सिर्फ मेरे लिए बेकार है, क्योंकि उसे मुझसे प्यार है। अकेला बॉडी का गार्ड। सर आप सच कर रहे हो? मैं तेरे मुंह में पेट की कसम खा के कहता हूँ कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा। सॉरी शक्तिमान सर। के बोलचे, तुम तो जॉब छोड़ के जोने वाला था ना? अरे नहीं सर, YouTube पे आपके शक्तिमान सीरियल देखी, उसको देखने के बाद तो मेरी आंखें ही खुल गई। अब जाके मैं चौकीदार की कीमत समझाऊं। पर ये कुत्ता तुम्हारे साथ मॉल में नहीं जा सकता पंडू। सर गली का कुत्ता है, गली में ही छोड़ दूंगा, बस एक बार हाँ तो कहिए। ठीक है, पर इसके बिना तुम खाना कैसे खाएगा? अरे क्या सर, भगवान ने सिर्फ इसको हाथ थोड़ी दिए हैं, मुझे भी तो दो हाथ दिए हैं ना। सर जॉब पे रख लो ना सर। लेकिन गोली के गोटर में गिर के काला हो जाएगा तो? काला हो जाने दो ना सर, काहे को इसके पीछे पानी बर्बाद करने का। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, मुझे काम पे रख लो ना। ओके ओके, मेरा पीछा छोड़, जा ज्वाइन कर। थैंक यू शक्तिमान सर। हाँ बहुत अच्छा था। मॉल में घुसने के 5 रास्ते हैं, बेसमेंट, पार्किंग, एंट्री, एग्जिट। बाकी 3 नॉर्थ, साउथ और ईस्ट फेसिंग है, और हर तरफ मेटल डिटेक्टर्स होंगे। अच्छा, और सिक्योरिटी? वो नमूने कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अपने आप को फौलाद बना के रख, हालांकि तू वो कल बांबू की छठी औलाद है। अबे बोल गेंडे मुंह खोल। बोलने दो तो बोलूंगा ना, मेरा थोबड़ा देख के लोग तो वैसे ही डर जाते हैं, तो बोलने की क्या जरूरत है। इस मॉल के ब्रह्मांड में टोटल 8 फ्लोर। ओके, टेरेस पे 2 एंट्रीज होंगे, उन पे कब्जा करना होगा। सर्वेलेंस कैमरास की टेंशन नहीं है त्यागू, 2 मिनट में हैक कर दूंगा। क्या बक रहे हो यार, पुलिस डिपार्टमेंट के अपने एथिकल हैकर्स हमारे ड्रोन कैमरास को हैक करके हमारा लाइव टेलीकास्ट दिखा देंगे। बकवास कर रहे हैं। हम मॉल के कैमरास यूज नहीं करेंगे। क्यों चाचा, सास-सास चालू या मर गए? टीवी मत देखो, टीवी हो जाएगी। ये यहाँ का कंट्रोल रूम है गेंडे। ओ, कंट्रोल रूम। बड़े मियाँ की नजर इन सब टीवियों पे है, जब तक इनकी सास चलेगी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी बड़े मियाँ से। ये वही बड़े मियाँ है तो और कौन। सर आप तो उस मूवी में एकदम छा गए सर, बहुत अच्छा किया आपने। अबे उस पिक्चर में ये एक्टर नहीं, सिक्योरिटी के इंचार्ज थे। तो पहले ही बताना चाहिए था ना, खाली हाथ मिला लिया। ये ले। ये क्या है, क्या है ये? वॉकी टॉकी, ये चलते चलते बोलेगा और आपस में बातें करवाएगा। फोन जैसा है क्या? चालू करता हूँ। हम लोग चैनल 8 पे आपस में बात कर लेंगे। तुम्हें लगता है 3 घंटे में सरकार इतने पैसे अरेंज कर पाएगी? सरकार से कौन पैसे मांगने वाला है? प्लान मॉल में एग्जीक्यूट करेंगे। हम मॉल का कोना कोना जानते हैं, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, आइंदा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। एक ऐसा कोना है जिसके कोने कोने तक किसी को खबर नहीं। ए मिल्खा सिंह देख कितना गोरा है, काश मैं भी ऐसा गोरा होता। अब मैं तुझे बताऊंगा अली बाबा की बिना 40 चोर वाली गुफा। किधर है? इधर है, है? वेलकम टू कंगालों का दौलत खाना। ए मिल्खा, सुना था दुनिया गोले पर, आज तो देख भी लिया। यहाँ पे काम ज्यादा और जगह कम है, इसलिए इस चटाई और तकिए में दम है। अच्छा तो यही होगा कि मैं कब्रिस्तान में जाके सो जाऊं। एंट्री बंद है और सोने के लिए मुर्दों से भी फीस ली जाती है, इसलिए ये बनाया। समझ में आया भाया? वैसे तो ढूंढ क्या रहा है गेंडे? तुम्हारी खोली है ना, तो बीवी बच्चों के कमरे कहाँ है? कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गए सब लोग? मुझ बूढ़े का ख्याल मेरे बच्चे नहीं रखते, इसलिए उनसे दूर रहने के लिए सिक्योरिटी गार्ड बन गया। दारू भी है? दारू नहीं, दवा है ये। ये मॉल मेरा घर है और यहाँ आने वाले मेरे बच्चों की तरह इन सबको मैं अपना समझता हूँ। एक बात बोलूं मिल्खा, गेंडा वाल तू तो जानता ही होगा कि गेंडा बहुत ही जोर से लात मारता है। क्या? तो तेरे से एक रिक्वेस्ट है, आज के बाद कभी भी मुझे गेंडा मल के नाम से मत बुलाना। क्यों नहीं बुलाऊं? गेंडे की तरह लात मारूंगा ना तो मॉल के बाहर वड़ापा वाले के कढ़ाई में जाके गिरेगा, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। अरे गेंडे को गेंडा नहीं कहूं तो और क्या कह के बुलाऊं? मुंह नोच।
जानता है मिल्खा, सिक्योरिटी की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, फिर चाहे देश के बाहर हो या देश के अंदर। इतिहास गवाह है कि जहां जहां भी दुश्मन होता है चौकीदार वहां पहुंच जाता है। तो होशियार, आई एम बैक। और आगे जाएगा तो बैकलेस हो जाएगा, ज्यादा बोलेगा तो कॉर्डलेस फेंक के मारूंगा। सबर नहीं कर सकता है, है? हाँ, शाम को आते आते इतना लेट हो गई, शराब पीना। मिल्खा, जलपरी को पास से देख के सबर नहीं होता है। फिक्र मत कर बंगड़ू, सब्र का फल मीठा ही होता है। What happened? Please talk to me. Somebody call the doctor, please. क्या हो गया? मर गई क्या? जल्दी बता क्या हुआ? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रात को इन्होंने बहुत ज्यादा पी ली थी, जिससे इनका ब्लड पाव किलो बढ़ गया और ये गिर गई। लेकिन वो पाव किलो ब्लड मैं कम कर देता हूँ। स्ट्रॉल आ रहे। ए मिल्खा, चल एटीएम कार्ड दे। कंगाल पति के पास एटीएम कार्ड? तो आधार कार्ड तो होगा ना। दे। वो है, ये ले। इससे पेशेंट ठीक होगा। अब देख मेरा कमाल, हाल तो जलाल तो। अनार जूस। वोडका के साथ साथ गटर छापी डाल के पी लगता है। चलो उठ जा। यू सो मच। यस। तुम क्या मेरी ग्रैंड डॉटर से शादी करोगे? अरे प्लीज कुछ बोलो। थैंक यू सो मच। यूएस में तुम्हारा खुद का घर है? नो। तो इतना पास में आके क्यों बोल रही हो? कोरोना वायरस हो गया तो क्या करूंगा? अभी चुपचाप घर पे जाके सो जाओ। बांगलू, प्लीज शादी कर लो। फ्लैश फॉरवर्ड खत्म। आधा घंटा पहले चले गए वो लोग, और तू अभी तक हाथ जोड़ के भीख मांग रहा है। आधा घंटा पहले चले गए? हाँ बिल्कुल। ए, मिल्खा, लगता है पड़ोसी के घर पे बच्चा हुआ है, ताली बजाने की आवाज आ रही है। इंडिया ना डाउन था, ना है, ना रहेगा। इंडिया टॉप पे है और डाउन तुझे हम करेंगे। कुछ साल पहले कुछ गोरों ने ऐसा ही कहा था, उनको उनकी औकात बता दी और तुझे भी हम बताएंगे। मतलब मेरा दोस्त पांडुरंग आ गया। पांडु आ गया। जैन कुलिक की बैन, कुलिक की बैन। चल खड़ा हो जा। अपने देश की बुराई में सह नहीं सकता, क्योंकि भारत मेरे दिल में है। ये। 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 लेकिन अमेरिका हमारा मेहमान है, इसलिए अमेरिका से भी हमें प्यार है। जलपरी खुश हो गई। ये मिल्खा है, जलपरी एक कप पानी मांग रही है। अरे तू देख क्या रहा है, पकड़ ले कप को, पकड़। पांडू, अरे कितना बड़ा पनौती है यार, जानता है जलपरी सपने में आई थी। आगे से कभी हिला के जगाया ना तो तेरा मुंह छोड़ के हाथ में दे दूंगा। अबे सपने देखने का भी टाइम होता है बे, सिचुएशन देख के। अरे कौन भाग रहा है? कार्ड डिटेल्स आ गई हैं। उसको बोल पैसे निकालने के बाद बैग को वहीं कहीं फेंक दे। ए, पकड़ा गया। हीरो आ गया है, चला फटाफट फाइट कर लेते हैं। अरे गर्दन, अरे अकड़ गई। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अरे अंडरटेकर, अरे तुझे कीड़े पड़ेंगे, बाल में चू बन जाएंगे।
Hey baby, good boy. इसके दिल के प्यार वाली खिड़की खुलने के चक्कर में मेरा गला खिड़की में खस के रह गया। How are you doing? Hey, मिलकर हाँ। मैं बोलता हूँ तो उसके कान में जूतक नहीं रहती और उसे हाथ मिला रहा है फटाफट। मजे ले रहा है। इसका ट्रेनर कौन है? शक्तिमान सिक्योरिटी सर्विस का कुत्ता है तो और कौन ट्रेन करेगा? इसका ट्रेनर सामने है। Hey, क्या हुआ बेबी? Any problem? अगर तूने मेरा भांडा फोड़ा ना तो कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी में तुझे बुक करवा के यहाँ से रफू चक्कर करवा दूंगा, समझा क्या? अरे तो हमको डराता है, ये तो मेरी तरफ इशारा कर रहा है। आजा मेरे लाल, आजा, चल आजा, आजा आजा, चल। अरे पहचान बोलूं तो डांटता है और गोरी के साथ हाथ मिलाता है। Hey Pandu, how are you? Fine. तुम्हारा डॉग इंटेलिजेंट है, तुम एक अच्छा ट्रेनर हो। Yeah, मैं ही इसका ट्रेनर हूँ, मैंने ही इसको सिखाया। That's so sweet of you. Welcome. Bye. सब समझ रहा हूँ, गोरी के प्यार में तेरा दिल गॉर्डन गॉर्डन हो रहा है। ए मिल्का, बोल। बैंड बाजा भारत का इंतजाम कर ले। लड़की हसी मतलब फसी। सामने बैठी है पर मोबाइल में देख रही है। अकेला ही ठूस रहा है, उसको भी खिला। थैंक यू। कोई बात नहीं। ए पांडू, अरे बोल दे रे। मैं नहीं बोलूंगा, नहीं तो चार बॉडीगार्ड से पिटवाएगी। डरने की जरूरत नहीं है, तो फिर उठा और भक्क से बोल दे। मैं प्यार की बात कर रहा हूँ और तू भक्क से थूकने की बात कर रही है, दिमाग खराब हो गया क्या? तू नहीं बोला ना तो अब मैं बोल दूंगी उसको। जा बोल दे, जा देखता हूँ। Excuse me, किस बारे में बात कर रहे? पूछ रहा है मेरे बच्चों की माँ बनेगी क्या? ये बातें उसके पल्ले नहीं पड़ने वाली है। सॉरी माजी, मैं कुछ समझी नहीं। पूंगी मुंह बंद करने तो स्टॉप फेंक के मारूंगा। पांडू वांट टू मैरी यू। रियली? लगता है इस गोटी की लंगोटी ढीली करनी पड़ेगी। ये मजाक है ना? यार में भी कोई मजाक होता है क्या? सीधा सीधा बोलता हूँ, आई लव यू, तुम अपना देख लो। तुम सीरियस हो? आई एम सॉरी पांडू, इट्स नॉट गोना हैपन। पर क्यों? मैं काला हूँ इसलिए क्या, या मेरे बाल घोंसले जैसे हैं इसलिए? कुछ तो बात होगी, तुम लड़कियों के पास तो रिश्ते तोड़ने के हजार बहाने होते हैं। ऐसी बात नहीं है पांडू। ये देखो, ये मेरे पेरेंट्स हैं। ये तुम्हारे पापा है? हाँ। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम में मैंने ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों को देखा है ना ग्रैनी? देखा है? Our looks भी सेम है ना? I like you so much, Pandu. पर मैं इंडियन से शादी नहीं कर सकती। आई होप आप दोनों मेरी मजबूरी समझ सकते हो। मैं इंडिया में ज्यादा दिन नहीं रह सकती, मुझे जाना ही होगा। एंड आई लव माई जॉब। मैम, आई एम गेटिंग लेट, हैव टू गो। दादी मैं चलती हूँ। ये क्या तुम रो रहे? ए मर्द नेवर क्राइंग। दादी ने मिर्ची फ्राई की है ना तो आंख जलने लगी। पांडू, हम लोगों में गोरखा का खून है, हमारी परंपरा है कि हम कभी भी हार नहीं मानता। हम अभी जाता और मैडम को उठा के लाता है। गुड नाइट। अरे वाह पांडू, इतना प्यार करता है कि उसका झूठा खा रहा है। हेलो, बधाई हो मैडम, मैं चेन्नई मॉल से बोल रहा हूँ। आपको 5,000 रुपए के वाउचर्स इनाम में मिले हैं और साथ ही साथ एक मूवी टिकट भी फ्री। एंजॉय कीजिए। हाय दैया, मूवी टिकट्स के साथ 5,000 के शॉपिंग वाउचर भी? अरे आज तो भगवान ने छप्पर ही फाड़ दिया। ए, क्या कर रहे हैं? बाहुबली की 3 टिकट जीती हूँ, 5,000 की फ्री शॉपिंग भी, कंफर्म कर देती हूँ। क्या बात है? अरे आज तो पार्टी है भाई। अरे ऊपर वाले छप्पर फाड़ के दे दिया। जागो, सारे टिकट बुक कर दिए मैंने। थिएटर वाले ने वीआईपीस के लिए 10 टिकट ब्लॉक करके रखे हैं। हमारे प्लान के मुताबिक सब लोग थिएटर में आ तो जाएंगे, मगर उन 10 सीटों पे कौन कौन आके बैठेगा बताना बहुत मुश्किल है। एकदम घटिया, बिल्कुल बेकार और बकवास। अरे बहुत अधिक पिक्चर है। उसे कैसे पता? तूने देखी है? मैंने देती है। तो फिर यहाँ बैठा देती देती मत कर, मेरी बात सुन। इससे पहले कि हाउसफुल हो जाए तुरंत मेरी टिकट बुक कर। अरे सर, क्या फिर से आपकी बैंड बच गई? इलेक्शन में हार गए आप, गिन के 4 वोट मिले आपको। 6
हमारे पास दुनिया भर के आदमी है ना, और वोट सिर्फ चार मिले, उन चार को छोड़ के बाकी सबकी पगार काट ले। यार क्या है ये, मतलब जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में ड्रिल से होल कर देते हैं, उन सबके अंदर होल करना पड़ेगा। तू जा जल्दी से बड़ी वाली ड्रिल मशीन लेके। जा जा जा। अरे टिकट बुक किया कि नहीं? बोलो लल्लन भैया की। ये नई पार्टी कौन सी आ गई है? कोई नई पार्टी नहीं है, वो तो आजकल नया ऑप्शन आया है नोटा का, उससे भी हार गया। चुनिया उड़ गई, मुनिया उड़ गई, पर नहीं उड़ पाया मोटा सांड। जानते हो क्यों बंदो? क्योंकि उसकी बहुत मोटी थी। पापा जी लॉटरी लग गई, डियर कॉमरेड 3 रिलीज हो गई। सच में? खा अपनी नानी की कसम। अये ये पिछली कसम से वो मर गई, दादी बची है, कसम खाकर दादी को मारता हूँ। गोरी वाली हीरोइन भी है? हाँ, वो भी एक नहीं दो दो। दो दो? हाँ बाबा जी। तो जा जल्दी टिकट लेके। जय हो। बंदो बोलत। बोल के डरा रहा। हेलो, अकाउंट में सिर्फ 54 बची है भाई साहब। वेट, पर पिछले महीने तो 58 बची थी। चेहरे पे मस्सा देख रहे हो, ऐसे बहुत केसेस सॉल्व किए हैं। चैनल के घटिया सीरियल देख के पता नहीं चल रहा है क्या, सारे सीरियल फ्लॉप हो गए हैं सर। इस बार तो तुम मेरे हाथों बच गया बेटा, अगली बार नहीं बचेगा। तो अभी क्या अंडा देने आए थे? चलो जल्दी कल्टी मारो, निकलो। फॉलो मी। सर हाँ बोलना। साउथ की एक ढिंचैक मूवी रिलीज होने वाली है, हमें उसके राइट्स खरीद लेने चाहिए। अभी नहीं, पहले मैं जाकर पिक्चर देखूंगा। गेट अ टिकट फॉर मी, वीआईपी सीट वाला लेना। ओके। यूएस एम्बेसडर को शो तक लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हे सैम। हाय, यू आर कमिंग फॉर द मूवी राइट? यस श्योर। क्या प्रिया आ रही है? हाँ हाँ वो आ रही है। ऑसम, तो फिर मिलते हैं। Priya? She will join us at the theater. We can leave. Oh, okay. Let's go then. चलो गाड़ी स्टार्ट करो। हमारे लल्लन भैया। जिंदाबाद। अब क्या दुलाले लल्लन भैया? अरे मिलका। आपको क्या टाले? लगता है ये कोई चोर या पॉलिटिशियन है। जीत रहा हूँ। अबे ऐसा मत बोल। क्या? ये जावाज नेता है। बिल्कुल घूस नहीं लेता है। अगर जिंदगी में किसी के साथ मुझे सेल्फी लेनी है तो वो ये है पांडू। सिर्फ 3 टिकट ही बुक किया है, अब मैं अंदर जाके फिल्म देखूंगा और तुम लोग घर जाके वीडियो गेम खेलो। जाओ। मुझे डायबिटीज की बीमारी है, ज्यादा नहीं खा सकता, बस जाके पनीर बिरयानी ले जाओ जल्दी। दाल भात टिकट और बुक कर लेते तो ये बताले भी पिक्चर देख लेते। पिछले इलेक्शन में कितने वोट मिले थे? टोटल ताल। और हमारे पास कुल चमचे कितने? 10 वाला। जब मेरे चमचों ने मुझे वोट नहीं दिया तो उनके लिए टिकट क्यों लूंगा? चल वोट। दूध लेते लुटिया दबाने वाला लल्लन भैया। मुझे आपके साथ एक सेल्फी लेनी है सर। सेल्फी लेने आया है? खींचो। थैंक यू। अगर मैं किस लेते हुए आपके साथ लोगे? एक सेल्फी लूं तो बुरा तो नहीं लगेगा ना? बुरा किस बात का? डरिएगा मत, मैं कल सुबह से मुंह धो के आया हूं। नहीं धो के आता तो भी थैंक यू। लेकिन सर क्या हो गया? किसी को बताइएगा मत। अरे पागल हो क्या? मैं क्यों बताऊंगा? मैं तो हिसाब चुकता करूंगा, मैं भी चुम लूंगा। क्या बताऊं, ये सेल्फी मेरे लिए अनमोल है, इसे मैं अपने सीने से लगा के रखूंगा सर। कितना क्यूट मुद्दा है। अब चलो फिल्म शुरू हो जाएगी। किस सेल्फी में डालने वाला लल्लन भैया थी? आवाज नेता। शहर में आग लग गई है क्या? अरे वाह, लग गई है। मजा आएगा देखेंगे। हाय, तू यहां? हां, ये देख मूवी टिकट मिली है फ्री में मुझे भी। I like this large protection seat. We should get a studio like this. भैया दी इधर थे। अरे सर बिरयानी नहीं मिली,
सारे चूहे खा गए। कोई बात नहीं, हम चूहों को खा जाएंगे। ये दे। प्रिया किधर है? हाँ, वो बस आती है। मूवी स्टार्ट होने वाली है। हाँ, वो आ जाएगी। ये वो पांडुरंग, इतना मुंह क्यों लटका है? मेरा थोबड़ा ही ऐसा है रे। अच्छा, वो गौरी मेम नहीं मिली इसलिए मुंह लटक गया ना। चल एक पाउशेर मार लेते, सब ठीक हो जाएगा। ये इतनी रात को कौन सा होटल खुला रहेगा रे? अरे मॉल के पास एक बार है, वहाँ पीते चकना खाते और खर्राटे मार के सो जाते हैं। यहाँ सब अंडर कंट्रोल है सर, मेरे रहते यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाथ ऊपर कर। निकलो, जल्दी करो। हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता त्यागू, मॉल पूरा अपने कंट्रोल में आ गया है। सर, मद्रास मॉल में आतंकवादियों ने हमला कर दिया सर, सबके हाथों में मशीन गन है, जल्दी आके सबको बचा लीजिए। सीट से कोई उठेगा नहीं, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी ने होशियारी की तो वो यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा, लाशों का ढेर बिछा दूंगा। You mean a lot to us, Margaret. Priya safe है। सारे आदमी को किडनैप करके हम सबको बाहर भगा दिया। जल्दी आओ। कमिश्नर को बोल 10 मिनट में यहां पे पहुंचे। मजा आ रहा है, सब मेरे रहमो करम पर जी रहे हैं। इनके रखवाले पुलिस बाहर नामर्दों की तरह खड़े, कब किसे कैसे मारूंगा ये तो यमराज भी नहीं जानता, सिर्फ मैं जानता हूं। आज इनका भगवान सिर्फ मैं हूं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, चेन्नई के मॉल को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। आज तक सिर्फ ट्रेन और प्लेन हाईजैक होती थी, ये पहली बार एक मॉल हाईजैक हुई है। इंग्लिश पिक्चर नहीं देखा है? टेररिस्ट आते हैं और सब लुट के फुर्र हो जाता है, वहीं से इन लोगों ने ट्रेनिंग ली। अरे पांडु, ये तो अपने मॉल जैसा लगता है। अबे लगता नहीं, वही जानकारी मिली है कि अंदर हॉस्टेजेस के साथ अमेरिकन एम्बेसडर भी मौजूद है। दोनों देशों के अधिकारी इस मामले में बातचीत कर रहे हैं। यार मिल्खा बोले तो जलपरी भी अंदर फंस गई। पांडुरंग, ये सही वक्त है, रस्सी लटका के पीछे के रास्ते से 9-2-11 हो जाते हैं। बुझ दिल की औलाद, जलपरी को बचाने के बजाय तुम दबा के भाग रहे, उसके होने वाले बच्चों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? ये क्या करने का बोल रहा है? भूल गया, खेत वाला मटका लेके पानी में घुस गई थी, वो कितनी बड़ी नदी थी पता है? उस पर सुपर डुपर मूवी भी बनी है, क्या तूने वो मूवी एक बार भी नहीं देखी? इसी टीवी में फ्री में देखी। टीवी का एहसान कौन चुकाएगा? बैटरी चार्ज हो गई, निकाल चार्जर।
अब सारे टेररिस्ट के नेटवर्क का कनेक्शन हम काटेंगे। तो मिलकर टाइट कर ले अपनी लुंगी, बजाते हैं उनके पुंगे। रेडी? नहीं छोड़ूंगा, आज ये चौकीदार सब की छुड़ा देगा। आ जाओ, मैं हर वार का जवाब दूंगा। मिल्का, छुरी को धार तो लगा ले। शायद तो भूल रहा है उन टेररिस्ट लोगों के पास कितनी सारी हाईटेक गन होंगी। अगर हमने गलत मोर्च पे अंदर एंट्री ले ली तो हम लोग तो मरेंगे, लेकिन साथ में अंदर के बेगुना लोग भी कॉकरोच की तरह मरेंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? जो गुरखा करते हैं। तू चाबी में घड़ी डाल रहा है या घड़ी में चाबी दे रहा है, क्या कर रहा है बोल? मिल्का, आज तक लोगों ने सिर्फ गुरखा की चौकीदारी देखी है, लेकिन आज वही लोग गुरखा का तांडव देखेंगे। समझा नहीं? गुरखा कमिंग। त्यागो, अपने पास तो खाली 10 वॉकी टॉकी थे ना, अभी ये 11वीं फ्रीक्वेंसी कहां से आ रही है? सब लोग अपनी वॉकीज ऑफ करो। अब चला के देख। त्यागो, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। देखिए सर, कंचना 3 में मैंने बिल्कुल ऐसी आवाजें सुनी थी। कहा है कि किसी महान काम को करने से पहले खुद को अच्छे से चार्ज कर लेना चाहिए, और ऐसे टाइम पे जापानीज ने चार्ज होने का अच्छा तरीका निकाला है, पावर नैप। 15 मिनट खुद को झोंक दो सीधा नींद में। सुनो, फ्रीक्वेंसी चेक करके उसकी लोकेशन का पता करो। अरे चल हट रे, बेकार में इरिटेट किया हुआ। सर, गुड इवनिंग सर। जैसे धनराज जी, तबीयत पानी ठीक है? सैलरी टाइम पे मिल रही है ना सर? अबे वहाँ मॉल को किसी ने हाईजैक कर लिया है और तू यहाँ गाड़ी में तफरी कर रहा है। सर बात ये है कि, अरे कॉल कट करना इडियट। इडियट किसको बोला बे? सर वो सेकंड लाइन पे वाइफ का कॉल था। अबे वाइफ को छोड़, यहाँ मुझे कैसे कैसे कॉल आ रहे हैं। ट्विटर पर गालियाँ पड़ रही हैं। ऊपर से वो फॉरेन एम्बेसडर फंस गई है वहाँ, इसलिए केंद्र सरकार का प्रेशर है मुझ पर। ध्यान से सुनो, तुम्हारा रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल होना चाहिए और उसका क्रेडिट मुझे जाना चाहिए। एक एक किडनैपर को भून डालो, वहाँ पब्लिक मरे तो मरती रहे। 1 घंटे में रिजल्ट चाहिए मुझे, वरना तेरी नौकरी गई। मुन्नी निकाल। पांडू, इस मॉल में जितनी भी जिंदगियां फंसी हैं, उनकी डोर हमारे हाथ में है। मिल्खा, मिशन पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? फुटेज नहीं खाएगा तो 3 घंटा 20 मिनट, और फुटेज खाएगा तो 3 दिन भी लग सकते हैं। इसलिए ध्यान दे, सिचुएशन पे ध्यान दे। करेक्ट, लेकिन जब इंसान का पेट साफ नहीं होना तो उसका ध्यान अंदर रहता है, बाहर नहीं। अच्छा वो टाइम पे आ गए, नहीं तो भारी हो जाता। ट्रैफिक क्लियर हो रही है। अरे मिल्खा, अभी फालतू बातें छोड़ और मेरा प्लान कान लगा के ध्यान से सुन। तूने जो भी प्लान बनाया है, मैं उस प्लान में मरते दम तक तेरा साथ दूंगा। ये मेरा वादा है। इधर से क्या हाथ डाल के धोएगा? पांडू, तू पॉटी करते वक्त हैंडसम लगता है रे। छी, बेशरम कहीं का। चल पांडू, वक्त कम है, जल्दी कर। ओ, अरे छोटा सा टुकड़ा है, निकलने देना। कोई आ रहा है? ये मिलेगा, अभी चुपचाप बैठा रहे, कुछ मत बोलना, सब रोक ले, रोक ले। भेड़ो, इधर के चौकीदार तो एकदम नल्ले निकले, हाली फोकट की पगार लेते हैं। पांडुरंग, चौकीदारी के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुन सकता। सिचुएशन को समझ यार, थोड़ा बर्दाश्त कर ले, चुपचाप बैठा रहे। मॉल के सिक्योरिटी गार्ड तो बहुत ही घुचू थे, और मैं तो ये सोच रहा था कि हम पे भारी पड़ जाएंगे। पांडू, इसने और एक शब्द भी कहा ना तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा, अब कंट्रोल नहीं होता। अबे वो जो बोल रहा है ना, उसको जहर समझ कर पी ले, 2 मिनट की तो बात है, बाद में पूरी भड़ास निकाल लेना। एक एक को लात मार के निकाल दिया अपन ने, निकल गया। उन्हें छोड़ के सही नहीं किया, वहीं ठोक देना चाहिए था, उनकी यही चौकात है। मीना, मैं तुम्हारा खून नहीं चाहूंगा। आई, तुम्हें कौन कमीना कहा बताओ? मैं उसे फ्लश कर दूंगा, और इस काम में मेरी मदद करेगा मेरा दोस्त पांडू। दिया है काठमांडू, आओ और करो मुझे फेस, तुम्हारी बातों की लग गई है ठेस, आ जाओ।
तेरा काम तमाम हुआ? बॉस छोटा सा टुकड़ा बचा, 2 मिनट लगेगा। आपको भी तो होता होगा ना, जरा मेरी मजबूरी समझो बॉस। 10.5 किलो निकाल दिया है, बस अभी 1.25 किलो से भी कम बचा है, 10 सेकंड में निकल ही जाएगा। मारना मत सर। नहीं 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 सर, नहीं। अरे बाप रे, तेरे को तो बाहर बिठाया था ना, तो तूने रोका क्यों नहीं? हम लोग को गोली लग जाती तो। चल बाहर जाकर पहरेदारी कर, भाग। पांडू मुझे बहुत जोर से लगी है, जाना पड़ेगा रे। क्या वापस हकीकत में बाथरूम चले? अगर फिर बाथरूम का नाम लिया ना तो इधर ही ठोक डालूंगा। इस वक्त हम उसी मॉल के सामने खड़े हैं जो हाईजैक हो चुका है। सूत्रों से पता चला है कि टेररिस्ट पुलिस कमिश्नर धनराज से बात करना चाहते हैं। कई मासूम अंदर फंसे हुए हैं जिनकी जान खतरे में है। इस समय क्या स्टेटस है नागराज? गार्ड्स तो बाहर आ गए हैं पर अभी भी। अच्छा, पास की बिल्डिंग से एंटर नहीं कर सकते है ना? नहीं सर। सारे ड्रोन्स रेडी हैं? रेडी हैं सर। हाँ ठीक है, रुको। तुम एक काम करो, मैं ना कहूँ कोई वहाँ से हिलना मत। हेलो सर, ये कमीना कहाँ से आ गया? अब ये पका के मार। आपकी सेवा में इंस्पेक्टर हैरिस हाजिर है सर। आप जैसे ऑफिसर से ऑर्डर लेना मेरा सौभाग्य है। मेरी पिलपिली गैंग वहाँ खड़ी है, आप बोलिए क्या कर रहा है सर। ऑर्डर दीजिए सर, ऑर्डर दीजिए सर। जरा चुप रहेगा, पहले डिमांड्स का पता लगाएंगे, क्या कर रहा है उसके बाद डिसाइड करेंगे। ओल्ड फार्मूला है वॉकी टॉकी वाला। ठीक है कर लीजिए। मुझे सुन रहे हो? सिटी कमिश्नर धनराज बोल रहा हूँ, अपनी डिमांड्स बताओ और सब लोगों को जल्द से जल्द छोड़ दो। भाव नहीं दे रहा ना, ऑर्डर दे दो सर, निकाल कर मारते हैं। चुप रहोगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तुम्हारी डिमांड्स बताओगी तभी आगे निगोशिएट कर पाएंगे। वो आपसे समोसा जलेबी थोड़ा ही मांगेंगे। सर बस एक बार ऑर्डर दे दो सर, ऑर्डर दे दो प्लीज। पिल्ले वेट कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। पिल्ले लो, आ जाओ सर। पिलपिली गैंग के दर्शन कर लो। इस पिलपिली गैंग का यहाँ क्या काम? सर पिलपिली गैंग के लिए पीली टी शर्ट बनवाई है, पूछो व्हाइट क्यों नहीं बनवाई। लोग इन्हें डॉक्टर समझ लेते ना, देखो भीड़ में कैसे चमक रहे। वो चिरकुट वहाँ वैन के ऊपर क्या कर रहा है? एक एक को भून के रख दूंगा सर। ये लो तैयार है, सबको शूट कर देंगे। टेररिस्ट को मार रहा है, पब्लिक को नहीं। उनको भी शूट कर देंगे, आप ऑर्डर तो दो सर। लामत यहाँ प्रेस वाले हैं। ओए वेट करो, मैं मीटिंग करके ऑर्डर्स लेकर आता हूँ, तुम तैयार रहना। बंद कर अपनी बकवास, नाक में दम कर दिया तूने। मैं भी यही कह रहा हूँ। हेलो, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। अगर जवाब नहीं दिया तो शूटिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अंदर जाके उनके पैर पकड़ लो। हेलो, मुझे सुन रहे हो? हमें गोली चलाने पर मजबूर मत करो। ये जानबूझ कर रहा है। ए, वो आदमी कितनी देर से चिल्ला रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं देता? फोन उठाओ और बात करो उससे। हेलो, शायद तुम जानते नहीं हो मैं किसकी बीवी हूँ। सर ऑर्डर दे दो। अरे जा यार। थैंक्स मतलब थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बॉयज जल्दी आ जाओ, चलो घर लेकर आओ, तैयार हो जाओ शूट करने के लिए। हॉस्टेजेस को नुकसान ना पहुंचे। सर जब गेहूं पिसता है ना तो उसके साथ साथ घुन भी पिसता है। पब्लिक टेररिस्ट किसी को नहीं छोड़ेंगे। मेरी गन कहाँ पर है? मेरे पास। तेरे पास क्यों है? आकर लानी बोलो। ये क्या कह रही हो? डिस्टर्ब मत करो। अबॉर्ट द ऑपरेशन। कहानी शुरू होते ही दी एंड कर दिया। सरकार से अवार्ड नहीं चाहिए क्या? वहाँ अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनमें मेरी वाइफ भी है। क्या बोल रहे हो? टेंशन मत लो, सबके साथ उसे भी उड़ा दूंगा। क्या बोला? मेरा मतलब आपकी वाइफ को पकड़ के रखने वाले टेररिस्ट को उड़ा दूंगा। ऑपरेशन कैंसिल करो। क्यों कैंसिल कर दे ऑपरेशन? क्यों कैंसिल कर दे? याद करो जिस दिन कसम खाई थी। दिन मैं एब्सेंट था। मैं तुम्हें याद कराता हूँ कसम खाते वक्त हमने क्या कहा था। दिन हो या रात हो, गर्मी या बरसात हो, आगे हो या पीछे हो, ऊपर हो या नीचे हो, पब्लिक हो या बीवी हो, ड्यूटी के लिए सब कुर्बान। तो आपकी अकेली इकलौती बीवी के लिए ऑपरेशन नहीं रुकेगा। अरे कम चिल्ला, मैं बहरा हो जाऊंगा। दिल की आवाज है सर, सुननी पड़ेगी। जिसने तुझे नौकरी दी उसे गोली मार दूंगा। हाँ गायत्री, आप पकौड़े तल के रखना, मैं आ जाऊंगा। नहीं ड्यूटी पे हूँ। अरे घर मेरा है, मैं तुम्हारा पति हूँ, पकौड़े मेरे हैं, मैं क्यों ना आऊँ? मैं और करण यहाँ मॉल में फ्री में फिल्म देखने आए थे, पता है 5,000 के शॉपिंग वाउचर भी मिले थे, पर अब सब बेकार हो गया। यहाँ चारों तरफ टेररिस्ट हैं, बड़ी बड़ी गन्स लेके, मुझे बहुत डर लग रहा है। 5,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर? मुझसे मांग लिए होते, किसी कसाई की दुकान से रिश्वत लेकर उसे दे देता। गिफ्ट वाउचर के चक्कर में मॉल में गई और फंस गई। अब ले ले मजा और पैसे बचा, लालची। अब बचाने कौन? तेरा बाप आएगा। अब कुर्बानी नहीं देंगे? मेरी बीवी को गोली मारेगा, तेरा लाइसेंस कैंसिल। तोप लाकर पूरे मॉल को उड़ा देना चाहिए। कीड़े मकोड़ों की तरह 10-15 लोग अगर मर भी जाएंगे तो आबादी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेलो, मैं मॉल के अंदर फंसी हुई हूँ। रस भरी सर
परफेक्ट प्लान बनाया उन्होंने। सिटी कमिश्नर, मेरे चारों असिस्टेंट कमिश्नर, यहाँ का एरिया इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और तो और सारे कांस्टेबल, उन सब की फैमिलीज को धोखे से बुलवा लिया सर। सर इस वक्त कुछ सूझ नहीं रहा सर। कुछ भी करो, एनएसजी को पहुंचने में 5 घंटे लगेंगे। ऐसा हुआ तो सारा क्रेडिट सेंटर को चला जाएगा। नौकरी प्यारी है ना तुझे? सर मेरी बात, जैसा कहा वैसा कर वरना। सर सुनिए तो। सर एक सवाल सर। शूटिंग ऑर्डर सर। हम गीदड़ नहीं है, खूंखार शेर है। आप शेर नहीं बब्बर शेर हैं। दिल खुश कर दिया, देखते जाओ अभी शूटिंग ऑर्डर पर साइन कर। यस सर। पल्लवी, अरे तुम भी अंदर फंस गई हो क्या? सर साइन कर दीजिए ना। कमीने, जुबान खींच लूंगा तेरी। कमिश्नर अब डिमांड्स की बात कर ले। मॉल के स्क्रीन पर एक अकाउंट नंबर दिखाई देगा, 10 मिनट के अंदर उसमें 10,000 रुपए डालो। 10,000? कितना बोला? गवर्नमेंट ऑफिस के अकाउंट से 10,000 चाहिए। आई रिपीट, 10,000 फ्रॉम योर गवर्नमेंट अकाउंट्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर सर उसने 10,000 कहा, सुना आपने? 10,000? हाँ सुना मैंने। कैसा आदमी है ये? मेरी बीवी महीने में पॉपकॉर्न पे 10,000 उड़ाती है। ये जरूर कोई पागल आदमी होगा सर। ये हमसे लाखों रुपए मांग सकता था पर सिर्फ 10,000? ठीक है, अपना ATM निकालिए और पैसे मार दीजिए उसके मुंह पे। क्या हुआ, अकाउंट में पैसे नहीं है सर? अरे उसे गवर्नमेंट के अकाउंट से चाहिए। आपके अकाउंट में गवर्नमेंट के पैसे ही है ना? चीफ सेक्रेटरी से बात कराओ अर्जेंट। बीवी को बचाने के लिए उससे परमिशन। अरे मुंह बंद कर इडियट। हेलो हेलो, एक सेकंड एक सेकंड। सर लेकिन हमें 10,000 किस फंड से देना है? इतनी बड़ी रकम नहीं है, हमारे पार्टी के फंड से ट्रांसफर कर दे। सर ऐसे तो उनको अकाउंट नंबर मिल जाएगा, हैक करके सारा पैसा निकाल लेंगे, आप नंगे हो जाओगे। अरे बाप रे, तो फिर अब क्या करें? मैं एक फ्रेश अकाउंट बना देता हूँ, बस 2-3 दिन लगेंगे। अच्छा तू फोन रख, मैं अभी फाइनेंस मिनिस्टर से बात करता हूँ। हेलो। 6 मिनट बीतने के बाद भी गवर्नमेंट ने अभी तक उनके अकाउंट में 10,000 रुपए जमा नहीं किए हैं। अब सिर्फ 4 मिनट बाकी है। पैसे की बात PM से बात करनी पड़ेगी। वेरी गुड, पहले अकाउंटेंट से बात करो, फिर मिनिस्टर से बात करो, 10,000 के लिए PM से बात करो। अब क्या किया जाए? अरे 10,000 है, सिर्फ 10,000। क्या इतनी छोटी सी रकम है? 1,000 हो या 10,000, PM से बात करनी ही पड़ेगी। कोई हेलीकॉप्टर थोड़ी खरीदना है। हाँ एक काम किया जा सकता है, 10,000 रुपए के लिए हम सीधे वर्ल्ड बैंक से लोन ले लेते हैं, अपने देश का नाम रोशन होगा। सर सर 10 मिनट खत्म हो चुके हैं। अब 10 मिनट खत्म हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे LED स्क्रीन पर एक हॉस्टेज दिखाई दे रहा है। कमिश्नर तुम्हारी सरकार एक छोटी सी रकम नहीं दे पाई, अब तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं है। अब यही डिमांड पब्लिक के सामने रखता हूँ। 2 घंटे के अंदर 200 करोड़ अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। LED स्क्रीन अमाउंट दिखाती रहेगी। घोड़ों पे तो बहुत पैसे लगा चुके हो, अब इंसान की जान पे लगाओ। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। Crores and your time starts now. You coward! I will kill you! Kill Marose! Get it down! Milka! Wakila! Tiago, ये 11वीं frequency अभी भी on है भाई। हे भगवान रक्षा कर। अब हम सब बच जाएंगे। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। भगवान जी देखा, जब भी दुनिया में अंधकार छाता है हमें बचाने कोई ना कोई जरूर आता है। जय बंदर की औलाद, अगर जलपरी को हाथ लगाया तो एक एक को चुन चुन के मारूंगा। ए, सामने आकर क्यों नहीं मार लेता? लकड़ बगे 10 लोगों के झुंड में आया तो खुद को शेर समझ रहे? तू जानता है कि मैं कौन हूँ? तू पप्पू पोपट की औलाद है क्या? अबे ओ, तू जो कोई भी है। I will kill you. समझ गया क्या? क्या बकवास कर रहा है? तो फिर मेरे साथ तो इंग्लिश में क्यों बात कर रहा है? हिंदी नहीं आती है क्या? एक बार हाथ लग जा कुत्ते की मौत मारूंगा। तू क्या, तेरा बाप भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा? कुछ नहीं होने वाला, 1 घंटे में सिर्फ 9 लाख रुपए ही जमा हुए हैं।
सर, ऐसे धीरे धीरे पैसा जमा होता रहा तो हमारी बीवियां बूढ़ी होकर बाहर आएंगी या फिर वहीं मर जाएंगी। खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। अरे अरे बाबा रे, क्या करूं मैं, सब बर्बाद हो गया। नालायक, कहीं काउंटर जाने से रोका क्यों नहीं पता? अब आप मारेंगे। अच्छा, तेरी कंपनी का नाम बोल। क्या नाम है? शक्तिमान। शक्तिमान शक्तिमान बस रखा है। मिल्खा, प्लान तो पूरा रेडी है, बस हीरो की तरह एंट्री मारनी है। लेकिन अंजाम सोच के थोड़ी सी फट रही है। हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है पांडू, हम दोनों मिलकर इनका कुछ नहीं उखाड़ सकते। मैं साहब के बड़े साहब को फोन करता हूँ। अभी तक लोकेशन पता क्यों नहीं चला? अगर वो वॉकी टॉकी यूज करेगा तो फ्रीक्वेंसी से पता लगा लेंगे, मगर अभी तो जैमर ऑन है ना, उसका तो फोन भी नहीं चलेगा। पांडू, बिल नहीं भरा तो नेटवर्क नहीं है, या फिर इन लोगों ने नेटवर्क जैम कर दिया है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। और ये देख, ये फोन मेरे दादा गुलबिया थापा का है। इसका 5G नेटवर्क माउंट एवरेस्ट पर भी ठनका टक चलता है। मैजिक देखो दादा, आज तक आपने मुझे एक चवनी तक नहीं दी, पर आज मेरी लाज रख लो। आजा नेटवर्क, आ थू। देखा, थूकते ही आ गया। पांडू, हेलो बॉम्बे शक्तिमान। हम तो अंदर है। तुम अंदर है? गला क्यों फड़ रहा है? शक्तिमान सिक्योरिटी का एक आदमी अंदर ही है सर। सर, ए होवलदार। जी सर। जा फटाफट मैंगो जूस लेके आ। ए पांडू, हाँ? अब तुमको करिश्मा दिखाना पड़ेगा, सबको बचाना पड़ेगा। अपने बकवास बंद कर और फोन किसी और को दे। तुझे समझा दे बैठूंगा तो खुद भूल जाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ, पगार टाइम पे मिल जाएगा। मैं भिखारी, तुझे समझ में नहीं आता क्या? फोन किसी दूसरे को दे। सर, ये सिर्फ मुझसे ही बात करना चाहता है, क्योंकि इस पूरे एरिया का इंचार्ज होम है। उससे पूछो कि टेररिस्ट कहाँ कहाँ है, उनके पास कौन कौन से हथियार है, अंदर लोग ठीक है या नहीं है। काम की बात छोड़कर सारी बकवास कर ले तुमने। शांत हो जाइए सर। सुनो पांडू, वहाँ पर कॉल कितने टेररिस्ट हैं, कौन कौन सा हथियार है उनके पास? अगर उन्होंने मास्क नहीं पहनी है तो एक स्माइली वाली सेल्फी लेकर फोटोफॉट व्हाट्सएप से मेरे मोबाइल पे भेज दो ना पांडू। क्यों, तेरे को अपनी बेटी की शादी करानी है? मैं क्या शादी कराने वाला दल्ला दिखता हूँ? ये कहते हुए तेरी जबान क्यों नहीं कट गई? मुझे बाहर आने दे, मैं खुद ही काटता हूँ। ए, किसी और को फोन दे यार। ठीक है, बाद में कॉल करता हूँ। अबे शक्तिमान जी, अगर आपका आदमी टेररिस्ट की फोटो नहीं भेज सकता तो कम से कम उसकी फोटो तो मुझे दिखाओ। उसकी फोटो के दर्शन करके मैं चरण स्पर्श करूंगा, जल्दी से दिखाओ। लेकिन दादा, तुम उसका फोटो क्यों देखना चाहता है? मेरी बीवी अंदर फंसी है, वही एक सहारा है, प्लीज फोटो दिखाओ। हमारा चौकीदार नाम है पांडू। सचमुच यही है वो? शौक है? अरे रे, अरे रे, मर गया मर गया मर गया मर गया। सर, टेररिस्ट अंदर किसी को मारे या ना मारे, लेकिन अब अंदर कोई नहीं बच सकता, सब मारे जाएंगे सर। ए पक्या, उस लड़के का काम तो तमाम हो गया, अब उसके बाद भी किसी की बलि देनी पड़ेगी ना। चल बकरा ढूंढते। ये है मंत्री को मारता है कमीने। अबे चुप, तू जानता नहीं मैं यहाँ का होने वाला सीएम हूँ, तमीज में रह। मेरे खाने के लिए पाव भाजी लेके आ। छोड़, गरम गरम गोली खा। रहा था एक दिन पप्पू भाई बीच सड़क में दौड़ा था, एक हाथ में तेल की बॉटल, दूसरे हाथ में से कैमरा। स्टॉप, आम दाम धुस, जाके गन्ना चोस। पकौड़े की रेसिपी सोच रहा है। दिस इज द रियल गन। आई एम सॉरी मैन, मैं यहाँ बस पिक्चर देखने आया था, मुझे नहीं पता था कि मेरी पिक्चर बन जाएगी। क्या यहाँ पर तो सब न ले रहे, सबकी ऐसे फटी पड़ी है, तो मारेंगे किसको यार? वो ब्लू शर्ट वाला है ना, ब्लू शर्ट महिला मूली पराठा। और हम चले आए साथ में अपने मूली के पराठे ले आए रे, साथ में मिलेगी पुदीना और मिर्च की चटनी, खाओ तो मजा, निकालो तो मजा। त्यागो, आधा घंटा बीत चुका है, हमें जगह बदलनी चाहिए। बागड़ बिल्ला, तू होगा अपने घर का तोपची, लेकिन आज तेरे साथ होने वाली है गोची। कितना भी मना ले अपने शैतान को, कटेगी सबकी बोटी। धारदार खोखरी से तेरा लीवर और फेफड़ा कुछ नहीं बचेगा। ये मिलका, उन लोग को लगता है कि मैं सिर्फ अकेला यहाँ पे अंदर छुपा हूँ। अगर पकड़े गए तो पांडू बोल के कचरा मत कर देना। तो क्या बुलाऊ? अब तो बुलाना पांडुरंग।
भाई वो मिल गया भाई, दूसरे माले पर है, शटर चेक कर रहा है। तेरे दिन पूरे हुए लंगूर, अब खाएगा तू अंगूर। भाई वो मेरे सामने ही है, बोलो दौड़ा दूं। उसके मुंह में लोहा भर दे। ए, चल रे मुंह खोल, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो फटाफट बोल दे। नहीं है, चल ठीक है, मरने को तैयार हो जा। नहीं, गन कोई खाने की चीज है? कैसा आदमी, इसको तो दिन में दिखाई नहीं दे रहा। लगता ये तो डबल अंधा है, दो बार देख के चला गया। अरे भाई जरा इधर घूम, तो काम हुआ क्या? भाई तेरा कुछ नहीं होगा, तेरे टीम के ओपनिंग बैट्समैन बोल्ड हो चुके हैं। त्यागो इस वक्त वो सेकंड फ्लोर पर टहल रहा है, ड्रोन से इसका पीछा कर। क्या रे ढीले आटे, ले आया मेरा फ्लाइंग स्क्वाड। तुझसे तू कहीं भी छुपा हो मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा, अब मरने के लिए तैयार हो जा जोकर। जोकर बोलता है मेरे को? ओम फट ओम फट, मैं मंत्र जानता हूँ, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें नष्ट कर दूंगा, तुम बच के नहीं जा सकते, तुम्हारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। ओम ओम फट। इधर देख त्यागो, ये काला जादू करके मेरी टेक्नोलॉजी को हराएगा। त्यागो ये कुछ तो कर रहा है, त्यागो घर चले जा, ले जा। त्यागो ए त्यागो, इसकी पापी गुड़िया हमारे ड्रोन उड़ाती जा रही है। ए ए बाबले, ए चाइना के नकली माल, तुम्हारे वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। चौका चौका। अरे इसकी तो, ये ड्रोन तो चने के झाड़ से भी ऊपर है, इसको कैसे तोड़ूं? जम मार के तोड़ता हूं। जय गोविंदा। अरे पांडु ड्रोन से मुझे बचा। अरे मिल्का ये ड्रोन नीचे ही नहीं आ रहा है, देखना यार। पांडु आई गेम। तो नीचे आजा मेरे बाल, जोर से नहीं मारूंगा। जल्दी कुछ कर। हम क्या करूं, नहीं तो मारे जाएंगे। जल्दी कुछ कर। अंडरटेकर आजा मेरे भाई के शेर और हमला कर, जल्दी जल्दी आजा। त्यागो ये कुछ तो कर रहा है, त्यागो क्या रे जंगल, चार पांच कौवे क्या छोड़ दिया तो तेरे को लगता है उनकी चोट से हम गायब हो जाएंगे? देख बेटो, आखिर बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। ओ मैडम, ठुल्लू बाबा को क्या हो गया, दौरे पड़ रहे हैं क्या? बाबा जी कहते हैं जब भी दुख आए हंसकर उसे मक्खी की तरह उड़ा देना चाहिए। तो मेरी मूवी कैसे बनेगी? वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है, अपने आदमियों को भेजो उन्हें ढूंढने के लिए। मालिक बहुत दौलती आ रही है इसकी, तो तू मरवाएगा, तेरे चक्कर में हम सब मरेंगे, वो ठोक देंगे यार, तू रोक ले। लोद दिया तो विस्फोट हो जाएगा, चार दिन तक गया हो दौलत। मैडम बच्चे की जान खतरे में, हमारे पास इतने पैसे हैं, हम भी दे देते हैं ना। कल ही इनकम टैक्स की रेट पड़ी है, अगर हम लोगों ने अभी पैसे दिए ना तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, पुलिस तुम्हें पकड़ के जेल ले जाएगी और चक्की पिसवाएगी। तुम्हें जेल जाना है तो जाओ पैसे दे दो। सोना नहीं, ढाई तोले का चांदी भी नहीं, कम से कम बाबा जी का ठुल्लू तो मिला। तो बंदो देर किस बात की, प्यार कर लो, अब जल्दी निकालो अपना पैसा सारा और प्रेम से बोलो। चेले महाराज गुरुजी को पता चल गया तो? अबे उस कमीने को ही मर जाने दे, यही हमारे लिए अच्छा है, अगर वो बच गया तो हम नहीं बचेंगे। पापा कहाँ जा रहे हो आप? एटीएम से पैसे निकालने जा रहा हूँ, मुझे उस बच्चे की जान बचानी है। वैसे भी वो बच्चा आपका क्या लगता है,
इस तरह तो हजारों लोग रोज मरते हैं, पैसे मत बर्बाद करो। मिल्खा, सेंटी भाई को भेज दिया क्या? अभी तक तो ससुराल पहुंच भी गई होगी। अच्छा, सुन, चल अब जोकर को मजा चखाते हैं। व्हाट? टेररिस्ट लीडर को रे। त्यागो, चांसेस हैं एनएसजी कमांडोज रास्ते में हो। खत्म करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। इससे पहले कि पुलिस हमें पहचान ले, हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। और जब तक वो हमारी जानकारी जुटा कर हम तक पहुंचेंगे, हमें ये देश छोड़ देना होगा। नाम पता कर पाएंगे तब ना। त्यागो, मर गए त्यागो। इसने तो हमारा खेल खत्म कर दिया। फोटो ले लिया इसने तेरा। अच्छा है खाली तेरा फोटो लिया है, मैं नहीं दिख रहा इसमें। छक्का मारा, बच गए तेरे पूरे 12 रे। अबे हमको निकलने चला था क्या मगरमच्छ? क्या हुआ, थोबड़े को देख के थोबड़ा सोच गया क्या? जानता है तेरी फोटो नरक में भेजी है यमराज के पास। उसका भैंसा आएगा तेरे को अभी थोड़ी देर में लेने के लिए। सर, जो पिछले साल गोवा में बम विस्फोट हुआ था उसमें इसी का हाथ था। लोग कहते हैं इसे आईसिस फंड करता है सर, और इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। इसके लोग पूरी दुनिया में फैले हैं। और कोई डिटेल? प्लानिंग बनाने के मामले में ये बहुत शातिर है सर। लास्ट टाइम इसने मेजर त्यागराजन का घर इस्तेमाल किया था जहाँ उनकी मौत हुई थी। तब से इसने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना नाम त्यागो रख लिया। स्विस बैंक में इसके कई अकाउंट्स हैं सर। इसने जिस बैंक में पैसा डालने के लिए कहा है उस बैंक का हेड ऑफिस नॉर्थ कोरिया में है सर। समझ गए मैं क्या कर सकता हूँ। ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था, एक नमूना। सिर्फ 50 ग्राम एक्सप्लोसिव यूज किया, कई किलो बारूद है मेरे पास। अगर किसी ने मॉल में घुसने की कोशिश की ना तो पूरा मॉल उड़ा दूंगा। और हाँ, हमें शूट करके बॉम्ब ढूंढने की कोशिश भी मत करना। नहीं मिलेगा, सब मारे जाएंगे। बस दुआ करो पब्लिक जल्दी से पैसा ट्रांसफर कर दे। कोई जख्मी तो नहीं हुआ ना? नहीं सर। त्यागो, बॉम्ब की बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों? अब तक 2 लोग मर चुके हैं। अब ध्यान रहे, इसके बाद एक भी बंधक मरना नहीं चाहिए। एक्सप्लोसिव कहाँ छुपा रखे? उनके मरने का दुख सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी है। पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मिशन के लिए ये सब करना जरूरी था, और मेरे पास कोई एक्सप्लोसिव नहीं है। मैंने सिर्फ झूठी धमकी दी है एनएसजी को रोकने के लिए। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तारा, रास्ता छोड़ो हमारा। तू ही वो है ना जिसने मुझे ढोंगी कहा था? तू ढोंगी ही तो है, सबको उल्लू बना के पैसा कमाता है। अरे हमारी तरह कमा के देख, तब पता चलेगा लोग बाहर मेरे लिए आंसू का झरना बहा रहे होंगे। अरे दादा बच गए तारा। अरे देखने तो दे, बॉस को जीते जी मार डाला। अभी बॉस ने देख लिया ना तो लात मार के हकाल देगा। ए, अब इसका बाप भी बच के नहीं आएगा, सीधा नरक जाएगा। पांडू, इस मॉल में कहीं पर एक बॉम्ब है। तुम फटाफट शक्तिमान के जैसे जाओ और बॉम्ब को फटने से बचाओ। श्योर है ना? हाँ, और नहीं तो क्या, यहाँ बहुत सारा पुलिस वाला है। पर बॉम्ब का नाम सुन के सांप का फटता है। बॉम्ब फटता है दादा। त्यागो, हमें वो आदमी मिल गया जिसने नाक में दम कर रखा था। इसे जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो ये खतरा बन जाएगा और हमारा प्लान फेल हो सकता है। ए जोकर, बोल रहे हैं। तेरी कमजोरी का पता चल गया। एक मिनट में नहीं आया ना तो उसे जान से मार डालूंगा, समझा? और इसे धमकी मत समझना। मारे गए। कौन रे? भांडा फूट गया। किसका? अब हमें मार मार के चील कौओं को खिला देंगे। पांडू कुछ कर, नहीं तो कुंवारा रह जाएगा। सुना नहीं वो लोग मार्केट को मारने वाले हैं। ए मिल्खा, वो मार्केट की बात नहीं कर रहे थे रे। तो फिर किसकी बात कर रहे थे? तेरी। बोल, तेरा आदमी किधर छुपा है? बोल, बोलता है कि नहीं? छोड़, एक बार सीएम बन जाए थे तुझे फांसी पे चढ़ा दूंगा। फांसी पे तो मैं चढ़ाऊंगा अगर तेरा आदमी बाहर नहीं आया। कौन आदमी? मेरे अपने आदमी मेरे अपने नहीं है यार। तो फिर ये कौन है? इसकी तो, ये तो कमाल का फोटोशॉप किया। मैं फेमस हूँ ना, किसी फैन ने बदमाशी की होगी। इसे झूठ बोलेगा? अरे नहीं नहीं, मुझे ऑटोग्राफ दूंगा, सारी उड़ेल दूंगा। नहीं नहीं, मुझे मत मार, अभी तक तो मैं सीएम भी नहीं बना। बेटा मैं तेरे बाप के बराबर हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे माफ कर दे मुझे बेटा। अगर सीएम ने खाए होते मेरी दुकान के मूली के पराठे तो नहीं खाने पड़ते उसे लात घूसे और इतने सारे चाटे। मिल्खा, बोल। अगर बॉम्ब को ढूंढना है ना, हाँ, तो तू खुद को सरेंडर कर दे। पांडू, हीरो बिना लड़े कभी हार मानता है क्या? ए, मैं हीरो हूँ ये तुझे पता है, लेकिन उनकी नजर में तो असली हीरो तू है। तेरी फोटो पहुंच गई है रे। हाँ?
मुश्किल कर दो सबका जीना थोड़ा थोड़ा। स्वामी जी उठिए स्वामी जी। क्या हुआ बंदे? क्या हुआ तेरे साथ? जो आपके साथ हुआ वही। ओ, तो उस नेता की बात कर रहा है? वो तो कब का नरक चला गया, किडनैपर्स ने उसे लुढ़का दिया। लुढ़का दिया उसको? हाँ। नेताजी नेताजी उठिए नेताजी। आप मरे नहीं? तुम कौन हो वत्स? मुझे नहीं पहचाना। मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा। जरा पास से प्रेजेंट में आइए नेताजी। ये फोटो मेरे लिए बहुत ही अनमोल है, इसे मैं हमेशा दिल से लगा के रखूंगा। याद आ गया, तू वही कमीना जिसकी वजह से मेरी इतनी कुटाई हुई है। मूली के पराठे और चटनी खाओ कहो वाह। सुना है पुलिस है आने वाली, देखते हैं होता है क्या। वेलकम सर, आई एम नागराज एंड आई एम चंदू। उस गार्ड को फोन लगाओ। यस सर। तुमको जो बकवास करनी है होम से करो, हम उसका मेडिएटर है। मतलब दल्ला कहीं देखा तुझे? होम शक्तिमान है। बॉडी के कंकाल में शक्ति नहीं और नाम शक्तिमान। कॉलपुर जो हिल गया। बॉम्ब देख के कभी फटी है? हाँ, दिवाली में बहुत बार फटी है। फिर से बॉम्ब? बॉम्ब की बात कर रहा हूँ, तुम किसकी बात कर रहे हो? RDX बूम। एक ग्राम भी फूटा ना तो तेरा अंजर पंजर सब गायब। RDX बोल रहा हूँ। RDX बोले तो दिवाली में जो आपटी बार फोड़ते वही ना? अरे बॉम्ब स्क्वाड का हेड बोल रहा हूँ बे, RDX चंदू। जिसका नाम सुनते ही बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। ज्यादा बकवास मत कर, काम की बात कर, मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं बे झिंगुर। गलत वायर बताऊंगा ना तो उधर ही फट जाएगा। अब जैसा बोलता हूँ ना चुपचाप वैसा ही करते जा। भेजे में आई बात? तू कोई बॉम्ब स्क्वाड है या बेकरी में केक बनाने वाला कोई कुकर है? काम की बात कर, वाकड़ा क्यों घुस रहा है? प्यारे नन्हे लाल, मैं यहाँ घास छीलने आया हूँ क्या? अब जो बोलूंगा भेजे में डाल के लॉक कर। पहले मैं कुछ बोलूंगा। हाँ बकले, तू एक काम कर, खटारा बाइक निकाल, फर्र से नाके पे पहुंच। हाँ पहुंच गया। उसके बाद नाके पर ना तेरे को एक मस्त बार दिखेगा। हाँ छमिया बार, शाम को पैसा वही उड़ाता हूँ। देश के बच्चे भूखे मर रहे और तू बार में पैसा उड़ा रहा है क्या? बहुत कमीना है तू, कीड़े पड़ेंगे तेरे को कीड़े। पहुंच गया, अभी क्या करूं बोल। वहाँ सामने चार गली दिखेगी, पहली गली छोड़ के सेकंड गली में रपट मार ले, तेरे को कुत्ते ही कुत्ते दिखेंगे। उसमें से एक की पूछ जोर से खींच ले, वो कोई कोई करेगा, सारे कुत्ते गायब, पूरा रास्ता खाली। उस गली में नहीं जाने का है। उसके बगल में और एक तीसरी गली है, उसको बोलते खाऊ गली। मैं जो डोसा खाता हूँ वहीं से आता है, मांस चटनी सांबर लगा के देता है। उसको खाने के लिए लंबा लाइन लगता है क्योंकि बटर चीज मार के देता है, साथ में पुदीना चटनी फ्री। तो उससे 10 गर्मा गर्म डोसा बनवा और वो पार्सल लेके यूटर्न मार के मेरे पास ले गया। बॉम्ब डिफ्यूजर को डिलीवरी मैन बना रखा है रे। हमारा सबसे काबिल चौकीदार है जेम्स बॉन्ड। अबे शक्तिमान के नाम पे काले काले धब्बे पाल के रखा है। लंगूर को भर्ती किया, चिंपैंजी की सेना बना रखी है क्या? बोल बोल, दिमाग घास चरने गया था क्या तेरा? चला बैगन गैंग का। मुझे तो काला जामुन दिखता है, तेरे से तो बाद में मिलता है। RDX की छठी औलाद, हमें टेररिस्ट से कोई खतरा नहीं है, अगर हमें खतरा है तो उस गोरिल्ला से है। मेरे पौने 5 साल के बच्चे के 5 साल पूरे नहीं होंगे। सर अंदर जाने का कोई चांस नहीं है, और अगर उन्होंने हमें देख लिया तो बॉम्ब एक्सप्लोड कर देंगे, और अगर ऐसा हुआ सर तो अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे सर। ऐसा क्या? देख रहे हैं अब बॉम्ब डिटेक्टर ये बैग के अंदर जाएगा क्या? ए डोसा छोड़ के सब ठूस, मेरे रहते डोसा खाएगा कमीना। सर पोटली तो वापस आ गई है। तेरे जेब में पैसा है ना, तो जा डोसा लेकर आ सर, और साथ में दाल वड़ा भी, मेरे चमचों को दाल वड़ा बहुत पसंद है, ये अपने वाला डाल दे, बाद में ये खिलाएगा ना। डोसा सुनते ही बुलेट ट्रेन बन गया, ब्रेक भी नहीं लगाया, जन्म जन्म का भुक्कड़ है। हेलो हाँ बोलना, कैसा है गुरिल्ला? मैं तो ठीक हूँ रे। 10 प्लेट डोसा ठूसा? अरे ठूस के ढकर भी मार लिया। अब नौटंकी छोड़ो और ध्यान से मेरी बात सुन। वो बॉम्ब जरूर किसी टॉय के अंदर होगा, और टॉय है 2nd फ्लोर पे टॉय शॉप में। मैं 3rd पे हूँ, 2nd पे नहीं जाऊंगा। और क्यों? 2nd फ्लोर पे AC नहीं है यार, किसी को बोल बॉम्ब 3rd फ्लोर पे लेके आ जाए। बाप का नौकर समझ के रखा है क्या? 2nd फ्लोर पे जाऊँ? चल लेकिन डोसा खिलाए तो उतना गंदा मजा करूँगा। ठीक है, बॉम्ब तो नहीं लेकिन मच्छर दिख रहे हैं। चिंपैंजी, अरे काम करने देना। बॉम्ब डिटेक्टर को देखो, जब तक ग्रीन सिग्नल दिखता है तब तक बल्ले बल्ले। जैसे ही लाल सिग्नल दिखा तुम्हारी खल्ली बल्ली। और पिंक लाइट दिखी तो? पिंक लाइट चाइना से मंगाया क्या? नहीं सर, डिटेक्टर में पिंक लाइट तो नहीं होती। क्यों क्यों नहीं होती? अगर किसी को रेड लाइट पसंद ना हो तो वो क्या करेगा? सही में ये चाइना मालना एक नंबर कचरपट्टी माल होता है, हमेशा गड़बड़। पांडू फालतू की बकवास बाद में कर लेना, पहले बॉम्ब तो ढूंढ ले। मेरी बात बकवास लगती है तो खुद आके बॉम्ब ढूंढ ले। अरे ये तो सामने ही रखा है।
अद्भुत अद्वितीय। क्या बात है RDX, 80% डिस्काउंट के साथ मस्त पैकिंग भी है। खोल के देखूं क्या? मैं समझा नहीं। अरे वीडियो कैमरे बाबा। सांड महाराज, तुम्हें ढूंढना है बॉम्ब, वीडियो गेम नहीं। अरे सॉरी सॉरी, भूल गया था। RDX, क्या हुआ? मेरा दिल तो जोर जोर से रो रहा है। क्यों, क्या हुआ? चंपा आंटी का गिफ्ट याद आ गया। कैसा गिफ्ट? झुंझुनझुनझुनझुनझुना। अरे यार, लगता है बॉम्ब फूस हो गया, वरना अब तक तो मिल गया होता। पांडू, करकर की आवाज आ रही है, देख वही बॉम्ब होगा। हाँ, मैं तो बटर का वेफर खा रहा हूँ, कुरकुर की आवाज उससे आ रही है। ओए, अब भूख लगी तो मैं खा भी नहीं सकता हूँ क्या? अरे खाना, तेरे बाप की दुकान है, पर बॉम्ब भी तो ढूंढ। अरे क्या हुआ? अरे शर्ट फटेगा क्या? आरडीएस, ये अंडरटेकर कहीं लेके जाना चाहता है। शाबाश, आज तो तूने रोड पे घूमने वाले अपने सारे दोस्तों का नाम रोशन कर दिया। चल अंडरटेकर, चल अंडरटेकर, चल चल। बचाने के लिए अंडरटेकर को बुला। अरे नॉन सर, वो कुत्ते का नाम होगा। कुत्ता? कुत्ता भी है इधर? यस। अच्छा, तो वो कुत्ता भी अंदर है क्या? एक तुम और एक ये, दोनों नकारा हो, नालायक। तबाही तबाही। अरे अच्छा, पता है सब को अंडरटेकर क्या कर रहा है? आइला पूछ हिल रही है, उसके पीछे जा रहा है। वो बॉम्ब के पास जा रहा है, तू जा। चल 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 अंडरटेकर, बॉम्ब ढूंढ। आज बॉम्ब नहीं ढूंढना तो तेरे को कुत्ते से इंसान मारा दूंगा। गो 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 गो, कम ऑन, लगता है साले वाला है। सच, RDX, खुशखबरी है। यस, बॉम्ब मिल गया। बॉम्ब, अरे क्या हो, फ्री में तमाशा देखोगे? तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। शक्तिमान इधर हाथ मिला, अब उससे बाहर निकालो। अरे लेकिन बाहर निकालने से पहले ब्रेड तो ढूंढना पड़ेगा ना। मैं समझा नहीं, जैम को हाथ पे लगाऊंगा क्या? अभी भी बात पल्ले नहीं पड़ी। अपना अंडरटेकर इतने बड़े मॉल में भाग भाग के थक गया। हाँ वो तो थक गया है, तो उसे फिर से रिचार्ज करने के लिए पेडिग्री जैम फ्लेवर देना पड़ेगा। अकड़ बकड़ बम्बे बो, खोलू कौन से पैकेट को? बॉम्ब का क्या हुआ पांडू? हे, तुझे बॉम्ब की बड़ी है? इधर अंडरटेकर का पेट भूख से पिचक गया है। ये अंडरटेकर बॉम्ब को छोड़, पहले जाके पेट पूजा कर। कोई नहीं बचेगा, सब फट जाएंगे। बूम। जब पड़ोसन हो बीमार और मांगे अचार, तो ये है शुभ समाचार। आने वाला है नया मेहमान जो करेगा सबका कल्याण। आया ना मजा? तो सब मिलकर गाएंगे। 1, 2, 3, 4। जिंदगी है पूरी झंड, फिर भी कम नहीं होता घमंड। बॉम्ब की तो। ए पांडू, सो क्या? क्या बॉम्ब मिला? अबे ओए, जरा सांस तो लेने दे, खाने के बाद थोड़ी पावर नैप तो चाहिए ना। पूरा मॉल छान मारा है, अभी खाली बाथरूम के कमोड़ के अंदर ही ढूंढना बचा है। कमोड़ के अंदर? आइला, RDX, कोई आ रहा है, बाद में बात करते हैं। अरे आलसी, चलो उठ उठ, कोई आ रहा है, जल्दी चल। सर, कोई आ रहा है। चिरकुट में बहरा नहीं हूँ। मैं जो ढूंढ रहा था वो मिल गया। कंफर्म करने के बाद ताली बजा। ताली बजाने दीजिए सर, हाथ के कीड़े मरेंगे। तू चुप ने। खुली खुली रे, खुली खुली। अरे बाहुबली। अरे ये इधर पड़े। ये RDX बॉम्ब बिल्कुल मेरे सामने ही पड़ा है। अब इसको निकालू कैसे? जंपिंग। गुलबिया थापा, मदद। आइला, सेम्बुड़ जैसा क्या लग रहा है? हाथ फिसल रहा है। ओ, ग्रीस है क्या? अरे बाप रे, मेरी तो वाट लग गई। अरे बाप रे, बाल बाल बचे, नहीं तो बॉम्ब के साथ मेरा सब कुछ फट जाता। पहला इसको उठाता हूँ। अरे कितना वायरिंग किया हुआ है? इसको बनियान के अंदर डालता हूँ, हो सकता है पसीने से वायरिंग खराब हो जाए। अब माउंट एवरेस्ट कैसे चढ़ूंगा? ये फिसलू वायर को पकड़ के चढ़ना तो मुश्किल है। ए दादा, जिंदगी में कभी तेरे से कुछ नहीं मांगा, पर आज पहली बार मांगता हूँ, मेरी मदद कर, वरना तेरे पोते को दुनिया वाले हमेशा हमेशा के लिए चंपू समझेंगे। ए दादा, मेरी मदद करना।
बॉम्ब तो उसने ढूंढ लिया, कौन सा वायर काटना है ये पूछा ही नहीं। कॉल कीजिए। चल परे, फिकर मत कर, तेरा हीरो तुझे बचाने आ रहा है, पर पहले खुद को बचा लूं। आयो यो, ये गलत टाइम पे किसने कॉल किया? हेलो हेलो, क्या हुआ पांडू? अरे आरडीएक्स, ऐसा लगता है आसमान से गिरा और खजूर में अटक गया। अंडरटेकर, अरे आ जा रे। क्यों बे कुत्ते, तेरे को शर्म नहीं आती? तेरा मालिक इधर अटका है और तू बेशरम की तरह ऊपर से मुंह लटका के देख रहा है मेरे को। अबे गुस्से से मुंह मत देना मेरे पे। आजा, सॉरी सॉरी, मुंह से निकल जाता है गुस्से में। अब मेरे को बचा रे। साला नंगा घूमता है लेकिन घमंड देखो कितना है कुत्ते में। ए, दिखला दी ना अपनी जान, आटा फेंक के गोरा बनाएगा मेरे को। अब जा, मेरे को बचाने को कुछ कर। अरे मुंह क्या दिख रहा है, जाना। बाप रे, अगर जल्दी नहीं निकला तो बॉम्ब के साथ इधर ही फट जाऊंगा, फिर ना फुलझड़ी मिलेगी और ना ही मेरे बच्चे। खा खा के मोटा हो गया लेकिन दिमाग में भूसा है। अबे लिफ्ट का बटन दबा। ए, मूतना है तो बाथरूम में जा, पर पहले बटन दबा। अरे बाप रे, लगता है ये कांच भी टूटने वाला है। अरे अंडरटेकर मेरे बाप, लिफ्ट का बटन दबा। तुझे कसम है उस पेडिग्री की जो मैंने तुझे खिलाया था, अपने इस भाई को बचा दे। अंडरटेकर, आई लव यू यार, आई लव यू। अबे आई लव यू बोल दिया, अभी तो दबा। सत्यानाश हो इसका। इतने सारे मच्छर मैंने मार दिए, अभी भी एक बचा है। सर ये देखिए, हमारे ड्रोन का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है। ऐसे कैसे हो सकता है? ड्रोन को कहाँ भेजा था? सर टेरेस पर। ये टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, जरूर किसी ने उस ड्रोन को देख लिया होगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए होंगे। ए आरडीएक्स मर गया क्या? ध्यान से सुनो पांडू, बॉम्ब को डिफ्यूज करने का टाइम आ गया है। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें वहाँ टाइम क्या दिख रहा है? सेकंड काटा बंद पड़ गया है, मिनट काटा कुछ बता नहीं रहा है, घंटा काटा स्लो चल रहा है। मैं घड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉम्ब के टाइमर पर क्या टाइम दिख रहा है? अच्छा बॉम्ब का, बॉम्ब पे तो मेरे को ट्रिपल एल दिख रहा है, टाइमिंग नहीं दिख रहा है। यस, मतलब वो टाइम बॉम्ब नहीं है, नॉर्मल बॉम्ब है। अच्छा पांडू, मैंने डोसे के साथ एक कटर भिजवाया था। हाँ कटर ना, वो ध्यान से देखो, बॉम्ब के ऊपर एक हरा वायर होगा। देखो देखो, हाँ हरा वायर ना, काट दिया। अरे उसे काटना नहीं था मेरे पास, ऐसा कूड़ा देगा, हम सभी नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। उस वायर को काटने के लिए मना करने वाला था। अरे तो पहले बोलना चाहिए था ना मेरे को, पता है ना मेरी स्पीड फास्ट है। आई लव आरडीएस, बॉम्ब पे टिक टिक टाइमिंग शुरू हो गई। राम गौर, नॉर्मल बॉम्ब को टाइम बॉम्ब में बदल दिया। टाइम क्या दिखा रहा है? टाइम 1, 2, 3 और 26 सेकंड। क्या बोला, 26 सेकंड? अरे नहीं नहीं नहीं, 3:26 सेकंड। ऐसा बोला, हार्ट अटैक आने वाला था। ओए बॉम्ब को मैंने पकड़ा है तो अटैक तेरे को कहीं को आएगा। देखना पांडू, ब्लैक वायर दिख रहा है क्या? अरे रुक, गर्दी बहुत है। ब्लैक वायर किधर है? अरे ध्यान से देख आसपास। अरे नहीं है बाबा। अरे आंख फाड़ के देखना खोचू। रुक रुक रुक, कोपचे में। यस, उसे काट दे, काट दे। काटो, काट दिया रे। ब्लैक वायर काट दिया ना? काटने कोई बोला ना? पांडू तुमने ब्लैक वायर काटा ना? कटर से काटते ही है। अरे बकवास क्यों कर रहा है मेरे बाप, बोलना काटा कि नहीं? खाली फोकट में कंफ्यूज मत कर। पांडू वहाँ पे जितने लोग हैं सबकी जिंदगी तेरे हाथ में है। मैं फिर पूछता हूँ, ब्लैक वायर काटा कि नहीं? सॉरी आरडीएक्स, टेक्निकल फॉल्ट था। वो बॉम्ब का वायर काटने की बजाय मैंने ईयरफोन का एक वायर काट दिया। इसको तूने जॉब पे कैसे रखा? ये हमारा ऑफिस में आया था सर, और उस दिन जैसे ही इसने पानी के कैन को उठाया, होम जॉब पे रख लिया और इसे मिला होशियार चौकीदार। पांडू कितने सेकंड्स बचे हैं? अभी 1:20 सेकंड बचे। अरे यार पांडू, ना तेरा ना मेरा लाल वायर को काट दे। काई को, वो मेरा फेवरेट है, नहीं काटूंगा। अरे काट दे मेरे भाई। ठीक है, काट दिया रे। टाइमर बंद हुआ। आइला, इसकी तो स्पीड डबल हो गई। अबे कुछ भी कर, उसको स्लो कर। लेकिन कैसे, सिर्फ 10 सेकंड बता रहे। सॉरी पांडू, यमराज इज कॉलिंग टू यू, तेरी चिता पर मसाला डोसा जरूर। अबे बाढ़ में गया तेरा डोसा और चटनी, फूटना है तो फूट। तू बेवकूफ क्यों बना पांडू? 6, 5, 4 पांडू, चिंपांजी पांडू, तू फट गया मेरे भाई। सुपर अंडरटेकर, तू जिंदा है पांडू? मर गए पांडू को मारने वाले,
बॉम्ब डिफ्यूज हो गया रे। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। अरे वाह, क्या खुशखबरी सुनाई है। सुपर सुपर, तू आज हम मिलके ढोसा खाएंगे। ऐसा कोई गांव नहीं जिधर बाबू का नाम नहीं। मुंह बंद रख। ये अंडरटेकर अचानक क्यों भौंक रहे? अरे तो भौंकेगा ही ना, बॉम्ब को चाट चाट के उसका मुंह जल गया है। अच्छा वो छोड़, तू खाने पीने की बात कर रहा था। तो पनीर रोटी मस्का मार के। सर हमने बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया है, अब हमें स्नाइपर्स को बुला लेना चाहिए। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने का ये बिल्कुल सही मौका है सर, आप बस ऑर्डर्स दीजिए। एक सेलफोन सिग्नल मॉल के अंदर से 5 मिनट पहले ऑन होके बंद हो गया त्यागो। ऊपर से हमने जितना टाइम मांगा था उसमें 1 घंटा बचा है सिर्फ, पैसे भी नहीं भेजे उन्होंने। अब तो लगता है हमारी हार पक्की है। मैं कभी हार नहीं मानता। I got the clear shot, sir. स्नाइपर्स पहुंच चुके हैं। अरे इनको पता नहीं है, अगर हमारे हस्बैंड यहाँ पर आ गए ना तो गोलियों से इनको उठा के भून डालेंगे, देखना। अब और कत्लेआम नहीं होने दूंगा छोटे बच्चे को। मोहन मेरी बात सुनो। देख जितने पैसे मिल चुके उतने बहुत है, अब बस कर। इसके बाद कोई नहीं मरेगा। मैंने कहा बस कर। सिर्फ पैसों के लिए इतना जोखिम उठा रहे हैं। आज हम यहाँ से अमीर बन के ही निकलेंगे। अगर किसी ने मिशन में टांग अड़ाई तो। कमिश्नर, मैंने तुझे मना किया था पर तू माना नहीं। अब तेरी गलती की सजा ये बच्चा भुगतेगा। अगर इस बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो रुक जाओ, तो अपने आदमियों से कहो पीछे हटे। बच्चे को कुछ मत करो, हम पीछे जा रहे हैं। प्लीज मुझे गिराना नहीं, प्लीज। सब लोग पीछे ही रहो, उस बच्चे को मार देगा। किसका बच्चा है वो? अरे बोलो ना, किसका बच्चा है वो? मेरा बच्चा है सर, वो मेरा बच्चा है। प्लीज उसे बचा लीजिए सर, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। ये बच्चे को लटका के हवा क्यों खिला रहा है? अब तो इसको बचाने के लिए स्पाइडरमैन बनना पड़ेगा। अच्छा अंडरटेकर तू क्या बनेगा? जूनियर आर्टिस्ट बन सकता है। अरे टोपी ये अंडरटेकर, मेरे दिमाग में धांसू आइडिया आ रहा है, आ जा। अरे पापा फिर कहाँ जा रहे हो? एक जगह बैठा नहीं जाता आपसे। उसकी जगह अगर हमारा मुन्ना होता तब भी तू यही कहता क्या? एक बच्चे का बाप होकर तू ऐसी बातें करता है? जा जा के कहीं ढूंढ मार। पापा पापा ये पैसे लीजिए, उस बच्चे को बचा लीजिए। त्यागो अभी हम इस पाइप की मदद से बच्चे को बचाएंगे। क्या है कि सबकी जान बचाना गुरखा का धर्म होता है ना, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसको पैर में ऐसे लपेटना है और टाइट कर देना है। देख दोस्त, अगर उस बच्चे को बचाते हुए मैं मर गया तो स्वर्ग में अपन दोनों गले मिलेंगे, ठीक है ना? मत करो दीदी। मम्मी वो देखो स्पाइडरमैन। पेंडुलम की तरह मैं राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट हो रहा हूँ, और उल्टी भी आ रही है, चक्कर भी आ रहा है।
गया सर। सर मनी ट्रांसफर अचानक से रुक गया सर। ऐसा कैसे हो सकता सर? बहुत सारे लोग एक साथ ट्रांजैक्शन कर रहे थे इसलिए सर्वर क्रैश कर गया। सब खत्म हो गया सर। अब क्या करेंगे? त्यागो, पैसा आना बंद हो गया यार। कमिश्नर, तुमसे ज्यादा समझदार तो पब्लिक निकली। बचाओ। हम कोशिश कर रहे हैं, हमें थोड़ा वक्त दो। हम बात कर रहे हैं ना, प्लीज ऐसा मत करो। टाइम खत्म हुआ कमिश्नर, जितने पैसे चाहिए थे वो नहीं मिले। डोंट एवर ब्लेम मी। पोता बनाए और मैं आपको गुरखा बना दूं। तुम्हारे पास फोन है क्या? ये लो, लेकिन बैलेंस कम है, थोड़ा कम बात करना। अरे सर फट रहा है। ए बच्चे, मैंने तेरी बॉडी बचाई ना, तू मेरा सर तो दबा। सॉरी सर। उसे एक सर्विस में समझा और उसका साथ दिया। पता होता कि साला आईएसएस का टेररिस्ट है, कर रहा है। तो मिशन शुरू होने से पहले ही ठोक देता। अब बताइए क्या कर सकता हूं? पैर तो दबा दे, सुनता ही नहीं है। ये बताओ कि हम अटैक शुरू कर सकते हैं या नहीं? कितनी पॉसिबिलिटीज है? डायरेक्ट अटैक किया तो कम से कम 20 से 30 लोग मारे जाएंगे। ओके, तो फिर क्या करना चाहिए? मेरे पास एक प्लान है सर, जिससे किसी की जान नहीं जाएगी, पर ये बाहर से नहीं किया जा सकता। एक काम कर, इसे अंदर से करना होगा। क्या? 2002 में रशिया में कुछ आतंकवादियों ने एक थिएटर को हाईजैक किया था। तब रशियन मिलिट्री ने एसी के वेंट के जरिए हॉल में एनेस्थीसिया का गैस छोड़ा था और उस गैस की वजह से वहां मौजूद सारे टेररिस्ट और हॉस्टेजेस थोड़ी देर में बेहोश हो गए और रशियन आर्मी ने उन्हें ओवरपावर कर दिया। हाँ, तुम्हारा प्लान तो ठीक है, लेकिन इतना सारा एनेस्थीसिया हम लाएंगे कहां से? सर, मॉल के सेकंड फ्लोर पर डेंटल क्लिनिक है सर, हमें उसके मेंटेनेंस रूम में बहुत सारा एनेस्थीसिया मिल सकता है। जो गैस सिलेंडर्स में, अगर उसे एसी वेंट से कनेक्ट कर दिया तो सब बेहोश हो जाएंगे। अब तक कितना पैसा जमा हुआ है? 90 करोड़। ये वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर। ये किसका अकाउंट है? जितना बोला उतना कर, सवाल मत कर। चले मोगले, आजा। इस गैस सिलेंडर को एसी वेंट के साथ कनेक्ट कर दो और उसमें केमिकल डाल दो। एक बार फिर से सुन लो, केमिकल को एसी वेंट के अंदर डालना है। ये क्या घड़ी घड़ी एक ही बात बोल रहा है? मेरे को पप्पू समझ के रखा है, एक बार बोलने से बात भेजे में उतर जाती है। हो गया। ए मोगले, वो बोतल दे रहे। ये लो, पकड़ो। ये तूने बोतल कहीं को फोड़ी? अरे ये तो सिर्फ पानी था। अरे यही तो पानी एसी वेंट में डाला था। दिमाग घुटने में है क्या? अगर पानी एसी में डालोगे तो एसी खराब हो जाएगा और पूरा प्लान फेल हो जाएगा। ऐसा क्या?
और नहीं तो क्या, आई एम चैंपियन यार। तो अभी इसका क्या करने का? एक काम करो, इसे फेंक दो। चल चल, जब चैंपियन हो साथ तो डरने की क्या बात, आजा। ये क्या इधर ही थका रहा बैठ के गंदे गंदे रिएक्शन दे रहा है? तुमने सब कुछ परफेक्टली कनेक्ट किया। अरे बाबा कर दिया, अभी एक एक आतंकवादी को ढूंढेंगे और कॉकरोच जैसे मारेंगे। सर, गैस सिलेंडर से इसी वेंट को कनेक्ट कर दिए, दो मिनट में सब बेहोश हो जाएंगे। कितना बोल रहा है, आप लोग तैयार रहिए। अरे भाई बैलेंस कम है, पता नहीं कितना बात किया होगा। वैसा ही किया ना जैसा मैंने कहा। एक बार बोलो ना, काम बराबर से कर दिया है, बार बार दिमाग नहीं चबाने का। अगर तेरे को यकीन नहीं होता तो खुद ही जाके कर ले। अच्छा पानी का बोतल गाय को दिया था, उसकी वजह से कंफ्यूजन बढ़ा दिया, बच्चे ने फोड़ दिया। अच्छा क्या वो पानी नहीं, केमिकल था। क्या कहा, केमिकल? अबे गधे, सब कुछ सही से किया कि नहीं? अबे घोचू तो बताया क्यों नहीं, इसने मुझे बोला कि ये मोगली की औलाद क्या खड़े खड़े चड्डी में फूल खिला रहा है। अबे वो केमिकल था पता है। मैं भी तो यही कह रहा था, आपने ही मेरी बात नहीं सुनी, आप भूल गए। I am a little star, कर लो ना मुझसे प्यार, गुस्सा ना करो यार। तेरे को तो बाद में देखता हूँ सर। अच्छा जो करना था उसका रिपीट टेलीकास्ट करेंगे। वो केमिकल ही था ना सर? अबे कितनी बार बताओ वो केमिकल था सर। तो अभी क्या होगा सर? अरे नहीं 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 मत मारो, अरे ना 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 मत मारो, अरे हड्डियां टूट गई है, अरे मत मारो, अरे क्यों, अरे अरे नहीं मालूम है मुझे, कुछ भी नहीं पता, मुझे माफ कर दो। सर मुझे अंदर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही हैं सर। सब लोग पागलों की तरह हंस रहे हैं। इतनी टेंशन में सब लोग हंस क्यों रहे? क्या कहा? जरूर कुछ गड़बड़ हुई सर। मैं बेसमेंट में जा रहा हूँ, उसे वहीं ले आओ। त्यागु, पुलिस ने हॉस्टल से इसको छुड़ा लिया, अब क्या प्लान है? 5 मिनट में निर्मल पीछे के गेट से आएगा, तब तक हमारा पैसा ट्रांसफर हो चुका होगा। और इसका क्या करना है? जब तक ये हमारे पास है कोई हमें छू भी नहीं सकता। तुम्हें लगता है तुम आसानी से बचाओगे? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जड़ी के ब्लड की कसम, एक एक की हड्डी पसली नहीं तोड़ दू ना तो मैं गोरखा नहीं। तूने सिर्फ मेरी फुलझड़ी को ही नहीं मारा, बल्कि हमारी शादी के बाद हमको जो बच्चा होने वाला है उस पर भी हाथ उठाया। इसकी सजा तुझे मिल के रहेगी। आई किल यू। कमीने, मार डालूंगा तुझे चौकीदार। मैं क्या यार, अभी अभी तो मारा मारी शुरू की है और तू सीधा क्लाइमेक्स पे पहुंच रहा है? तू बहुत बड़ा तोपची है क्या? हे, लगता है तू वो कहावत भूल गया कि किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। मार का बच्चा है तो आजा और लड़ मेरे साथ। जान बचाने वाला चौकीदार जब अपने पे आता है तो वो देश के गद्दारों की जान भी ले सकता है। अगर माँ का दूध पिया है तो आजा और सामना कर। दादी, ये पांडू पागलों की तरह क्यों बोल रहे हैं? ये वो नहीं, उसके दादाजी बोल रहे हैं। बहुत हो गई अंताक्षरी, आजा सामना कर। दादे, अरे खड़ी खड़ी देख क्या रही है, ये लोग मार।
दादी, वो लोग पांडू को पीट रहे हैं। अरे फिकर मत कर रहे, इंजन गरम हो रहा है, बाद में सबकी छुट्टी कर देगा। अरे बुढ़िया, ये लोग क्या तेरे दामाद लगते हैं जो चुपचाप देख रही है? आक्रमण! तुम हमारा हाथ चाकू से काटेगा, हम दांत से काटेगा। तुमने सोया शेर जगा दिया है। ये दाड़े, तूने जितने लोगों को तड़पाया है ना, उनकी बद्दुआएं तेरे बॉडी में गजकरण कर देंगी। गोलबिया थापा, मदद कर! आज तूने अपनी आंखों से वो स्टंट देखा है जो ब्रूसली के बाप ने भी नहीं किया होगा, और अभी तू मेरा डांस देखेगा। आंख खोल के देख। सब लोग सेफ हैं सर। वो अमेरिकन लेडी, हमने उन्हें भी बचा लिया है सर, पर जो सिक्योरिटी गार्ड इस ऑपरेशन में हमारी मदद कर रहा था वो शहीद हो गया सर। What happened? Panju किधर है? Sorry ma'am, he is no more. Panju, Panju, हमें चोरी चोरी चला गया, हमें सोर के किधर चला गया? हमको माफ कर दो, तुम्हारा सारा चटी चेदा भी किया था। पानी मेरा भाई, हमको छोड़ के क्यों चला गया रे? हमें अभी अभी खबर मिली है कि सिक्योरिटी गार्ड पांडू को गोली लग गई है। पांडू उठना रे, वाइब्रेट हो रहा है। वाइब्रेट क्यों है? पांडू तुम तो जीता है, तुम मरा नहीं। पांडू तुम मरा नहीं। मैं जिंदा हूँ। पांडू, अरे कौन है, किसका फोन है? आइला गुलबिया दादा ने अपने को बचा लिया। गुलबिया थापा किसे? गुलबिया थापा किसे? गुलबिया थापा किसे? हेलो दादी, गुलबिया दादा अपने को बचाते बचाते सीधे स्वर की ट्रेन में चले गए, और टेररिस्ट ने अपने को गोली मारी ना। वो मुझे नहीं, दादा को लगी। हे गोटी, आजा मेरे यार। तू जिंदा है पांडू, बच गए रे अब, तू भी बच गया है। अंदर फंसे थे सबको छुड़ा लिया गया है, वो बाहर आते ही होंगे। उनके बाहर आते ही हम उनका इंटरव्यू लेंगे। देखिए वो आ गए। आप आए हो?
का एक कैन मेरे घर में तो होना ही चाहिए। कहाँ थे अब तक? ये कंट्रोल में रहेगी। Hey, I know this channel. क्या बात है? इस वक्त हमारे साथ हमारे चैनल के ओनर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। तो सर आपको अंदर कैसा लगा? Hey, wait, stop the camera. हाँ? ऐसे कोई सवाल पूछता है? मसाला चाहिए। Okay सर, मैं अच्छी तरह समझ गई। आपको मसालेदार और तड़कते भड़कते चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल feelings. Wait, मुझे इसकी फीलिंग्स चाहिए। इसकी सारी फीलिंग्स चूस लो। सर, ये तो अंदर गई ही नहीं थी, ये तो कब से मेरे सामने खड़ी है। ये मुझे अंदर की बात कैसे बताएंगी? अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे पूछो, सवाल करो, मसाला चाहिए, मसाला। Come on, action, TRP. एक बात बताता हूँ, मैंने अपनी दुकान बंद कर दी। आपने जो अभी फिल्म देखी गुरखा, उसमें एक आदमी था रेनकोट वाला। एक दिन वो पहुंचा मेरी दुकान पर, उसे मैंने खिलाए मूली के पराठे, वो भी चटपटी हरी भरी चटनी के साथ। पराठे खाने के बाद उसे बहुत मजा आया और पेट में हलचल हुई। उसके बाद चारों तरफ जहरीली हवाएं बहने लगी, मोहल्ले के लोग घर छोड़कर भाग गए। पूरे शहर में उसकी वजह से कर्फ्यू तक लगाना पड़ा, और यही सबसे भयंकर कारण है। उस आदमी की वजह से मेरी बरसों पुरानी दुकान बंद हो गई, और अब मैं कर रहा हूँ चौकीदारी, वो भी गोरखा बनकर।